ஒரு பாசாரம் பண்ணி ஆ
वहां ऐसा लग रहा है जैसे भक्तों का कुछ साथ कुछ छीन हो गया है। सारा दिन आप लोग कार्यालय में कार्य करके थके हारे आए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। उत्साह बनाए रखिए, उत्साह छीन ना हो। गुरु महाराज जी कभी विदेश में गए, गुरु जी से किसी ने प्रश्न किया, सुनने की बात है कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, राधा जी का नाम लेते हैं, बहुत सुंदर का नाम लेते हैं, नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, तो हमारी स्वीकृति होती है, किंतु जब हम गुरुवर्गो का नाम लेते हैं, जब हम गुरुदेव कहते हैं, जब हम प्रभुपाद कहते हैं, तब क्या हमारी स्वीकृति होती है? तो गुरु महाराज जी कहते स्वीकृति के साथ साथ भक्ति भी हो जाती है। गुरुवर्गो का नाम लेने का इतना महात्म्य है। आज गौड़ीय मठ के मूल संस्थापक आचार्य समस्त गुरुपालु हमारी गुरु परंपरा का एक प्रधान स्तंभ शुद्धा सरस्वती शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का आज शुभ आविर्भाव है। कितना हमारे हृदय में उत्साह होना चाहिए, कितनी उमंग होनी चाहिए। आज तो संकीर्तन के माध्यम से प्रभुपाद जी का एक उपदेश है। बाहर में जब हम आते हैं तो हमारे प्रभु जी ने बड़े सुंदर सुंदर उपदेश लगाए, उसमें परम गुरु जी का एक उपदेश है ना। जगत के लोग अथवा भक्त लोग भी कितनी कौन से भक्ति के अंग का पालन करें, हम कौन सी भक्ति के अंग का पालन करेंगे? कीर्तन आख्या भक्ति। कीर्तन आख्या भक्ति का अर्थ क्या है? संकीर्तन। बहुर भी मिलित्वा कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। आज प्रभुपाद जी का शुभ आविर्भाव है। आप मन में विचार कीजिए, प्रभुपाद जी अभी प्रकट हो रहे हैं, तो यदि मन में विचार करो प्रभुपाद जी प्रकट हो, गुरुदेव प्रकट होते थे आते थे, उनके स्वागत के लिए हृदय में कितना उमंग उत्साह होता था। तो आज साक्षात प्रभुपाद जी का आविर्भाव है। मन में विचार करो प्रभुपाद जी का आविर्भाव है, हम उनका स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है। अपने हृदय को देखकर जैसे वृंदावन दास ठाकुर जी कहते मुख भरे वा मुख भरे गाओ भाई श्री गौर नित्यानंद, तो मुख भर करके प्रभुपाद जी का नाम हम लोग को उच्चारण करना, हाथ उठाकर उनसे कृपा मांगनी है, वो प्रकट हो रहे हैं, उनका स्वागत करना है हम लोगों को, तो कितना उत्साह होनी चाहिए कि नहीं? एक आवाज नहीं आ रही है, होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए।
श्रीधर महाराज की जय। आप सब आगे आगे होके बैठो। हरे कृष्णा, आज हमारे बड़े सौभाग्य का दिन है। गौड़िया मठ के मूल संस्थापक आचार्य हमारे रूपानु गुरु परंपरा में अत्यंत प्रधान स्तंभ जगत गुरु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम लोग प्रातःकाल से ही और स्थान स्थानों पर ही प्रत्येक गौड़िया मठ में आज श्री प्रभुपाद जी की शुभ आविर्भाव तिथि का बड़े ही उत्साह के साथ में पालन किया जा रहा है। हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है, इस सौभाग्य को वर्ण करने के लिए हम लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही सौभाग्य और आनंद का विषय है, हमारे पूज्यपाद महाराज जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। अभी हम लोग महाराज जी अतिथि सभा के संचालक भी हैं, सभापति भी हैं। तो अभी हम लोग इसी क्रम में प्रार्थना करेंगे। कुछ कुछ भक्त लोग प्रभुपाद जी के विषय में अपनी अपनी हृदयांजलि मुखांजलि को सभी भक्त लोग अर्पण करेंगे। अभी सुंदर गोपाल प्रभु जी हमारे प्रभुपाद जी के विषय में हमारे गुरु जी के विचारों को कुछ परिवेशन करेंगे। सुंदर गोपाल महाराज महाराज जी को दे ज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं ये तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचक्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्येषा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पादपद्म नित्यनिर्मल प्रविष्ट ओम विष्णु पाद श्रोत्र श्री शिव श्री भक्ति वेदांत श्रीधर नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि कृतज्ञ प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। समस्त रूपक गुरुवरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए सबसे हेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी हेतु की कृपा की
मांझा करता हूँ। समस्त मठवासी भक्त वृंद, सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी भक्तों को मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गौड़िया मठ के संस्थापक आचार्य, एक आर्टिकल छपा था कि गौड़िया मठ है क्या। किसी व्यक्ति ने बोला वो गौड़िया मठ होके आया और उसने बोला भाई मैं गौड़िया मठ होके आया हूँ। तो उसने बोला वहां पे ऐसा क्या है, बताया कि वहां पे ना बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, मंदिर के ऊपर बड़े शिखर बने होते हैं। तो उसने बोला वो तो हमारे गाँव में भी मंदिर है, वहां पे भी शिखर होते हैं। बोला नहीं, गौड़िया मठ में ना ठाकुर जी हैं और बड़े ही सुंदर उनके दर्शन है राधा गोविंद के। तो बोला हमारे गांव में भी मंदिर है, वहां पे भी ठाकुर जी के बड़े सुंदर दर्शन है, तो ऐसा क्या है गौड़िया मठ में। बोला नहीं, वहां तीन समय प्रसाद पाने को मिलता है। बोले नहीं, हमारे गांव में जो मंदिर है वहां पे भी मिलता है, कभी कभी पांच टाइम भी मिलता है, तो ऐसा क्या है वहां पे गौड़िया मठ में। बोला कि नहीं, वहां पे ना साधु लोग रहते हैं। कह रहे साधु तो भारत में कहां नहीं रहते, हर जगह रहते हैं, तो ऐसी विशेष वस्तु क्या है गौड़िया मठ में। बताया गौड़िया मठ में जो विशेष वस्तु है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने क्या ला के दिया, वैकुंठ वार्ता। क्या लाके दिया? वैकुंठ वार्ता, यानी कि उस जगत की जो वार्ता है उसको इस जगत में लाके दिया। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि भगवान अर्चा विग्रह, जो उनकी सेवा कर रहा है वो अर्चक और अर्चन, अर्चा अर्चक और अर्चन, इनके बीच में अगर संबंध ज्ञान नहीं हो, अगर हमें ये नहीं पता चले कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, और मुझे ये भी नहीं पता चलता कि भगवान कौन है, जीव कौन है, तब तक जो हमारा भगवान की सेवा करना है, श्री प्रभुपाद जी बोलते थे वो भगवान की सेवा नहीं है, वो गुड्डा गुड्डी का खेल है। जैसे बचपन में बच्चे होते हैं ना, गुड्डा गुड्डी सजाते हैं। तो बताया कि जब तक हमें ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा भगवान के साथ जितने भी मंदिर में हम जाते हैं वो सिर्फ क्या रह जाता है, एक गुड्डा गुड्डी का खेल रह जाता है। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी, जो कि शुद्ध सरस्वती हैं, उन्होंने इस जगत में आके वैकुंठ की वार्ता दी। इस जगत में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस जगत में हर चीज मिलेगी, लेकिन एक ऐसी चीज जो इस जगत में नहीं है, जिसका आकार बड़ा हुआ है, इसके लिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे दुर्भिक्ष है, यानी कि जिस वस्तु का आकार बड़ा हुआ है वो क्या है, हरि कथा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो शुद्ध हरि कथा है उसका इस जगत में क्या है, आकार बड़ा हुआ है। और हमें क्या देखने को मिलता है, हर गली में हरि कथा हो रही है, टीवी का कोई चैनल खोलो हरि कथा हो रही है, लेकिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने आके जो शुद्ध सिद्धांत इस जगत में दिए हैं, इसलिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब तक कोई वैकुंठ का व्यक्ति नहीं होगा, वो ही उस वैकुंठ की वार्ता को इस जगत में लेके आ सकता है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, इस जगत का तो नहीं है, वो तो गोलोक का है। तो जो उस जगत का महापुरुष, जो उस जगत से इस जगत में आए हैं, वो ही इस वस्तु का वितरण कर सकते हैं, और कोई वितरण कर नहीं सकता। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बड़े ही सुंदर सुंदर सिद्धांत दिए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी की जितनी भी भाषा है वो सारी अप्राकृत है, और जिस वस्तु के लिए वो लक्ष्य करते हैं वो वस्तु क्या है, वो वस्तु है आत्मतत्व की वस्तु। और हम इस जगत में जितनी भी वस्तु देखते हैं वो भौतिक वस्तु है, इसलिए भौतिक व्यक्ति उनकी फिलॉसफी को नहीं समझ सकता। जैसे उनका एक फिलॉसफी शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर एक जीव का उद्धार करना लाखों अस्पताल खोलने से श्रेष्ठ है, लाखों अनाथालय खोलने से श्रेष्ठ है, लाखों लाखों स्कूल खोलने से श्रेष्ठ है। अब इस बात को क्या कोई आम इंसान समझ सकता है? अगर आप किसी को बोले कि भाई इस व्यक्ति का उद्धार हो रहा है, ये कृष्ण भक्ति कर रहा है, उसके लिए जितने भी भारत के अस्पताल है सारे बंद कर दो, उसके लिए जितने भी भारत के अनाथालय सब बंद कर दो, ये समझ में नहीं आता। लेकिन प्रभुपाद जी ने कौन सी वस्तु को लक्ष्य किया है, आत्म कल्याण की। अब इसको एक उदाहरण के स्वरूप समझिए। मान लीजिए एक गांव में बाढ़ आ गई और गांव के सारे लोग बहते हुए जा रहे हैं, तो नीचे वाले गांव में दो व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने देखा कि इतने सारे लोग पानी में नदी में बहते हुए आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने नदी में छलांग मारी और जाके एक व्यक्ति को उसके कपड़े से कोट से पकड़ के खींच के ला रहा था, व्यक्ति तो चला गया, हाथ में कोट आ गया, फिर उसने छलांग मारी। ऐसे ही किसी व्यक्ति को धोती से पकड़ के खींच के लेके आ रहा था, धोती आ गई, व्यक्ति चला गया। करते करते उसने 50-100 लोगों को पकड़ने की चेष्टा, तो गरीब उन सबके कपड़े तो हाथ में आ जाते हैं और वो व्यक्ति बह के निकल जाता है। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति उसने नदी में छलांग मार के एक व्यक्ति को चोटी से पकड़ के खींच के लेके आ गया, यदि उसके कपड़े बह गए। अब दोनों में से अगर देखा जाए किसने दया करी,
पहले वाले ने जिसने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए या दूसरे वाले ने जिसने एक व्यक्ति को बचा लिया? दूसरे वाले ने जिसने क्या किया, एक व्यक्ति को कम से कम बचा लिया। तो ये कपड़ा जो है ये शरीर भी क्या है, ये कपड़ा भी तो है। तो शीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि जो लोग सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा एंगेज है, सोशल सर्विस, वो लोग नास्तिक है और वो लोग माया के गर्भ में गिरते जा रहे हैं। अब इस चीज को क्या व्यक्ति समझ पाएगा? इस जगत में जो सोशल सर्विस करते हैं उनको एक बहुत बड़ा प्रेस्टीज मिलता है कि ये सोशल सर्वेंट है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो सोशल सर्विस करते हैं वो माया के गर्भ में गिरते जा रहे हैं और वो लोग नास्तिक हैं। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी की जो भाषा है वो किस चीज को लक्ष्य करती है, वो आत्मतत्व को लक्ष्य करती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर एक जीव को बचाने के लिए, अगर प्रभुपाद जी का उस जगत से इस जगत में आना और अगर एक जीव को बचाने के लिए हजारों और ये जितने भी हॉस्पिटल है उनसे खोलना बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर मुझे कोई एक जीवंत मठ मिलता है, यानी कि कोई एक ऐसा साधक जो वास्तविक में भजन करना चाहता है और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना चाहता है, तो मेरे जो 64 गौड़िया मठ हैं, अगर मेरे को ये 64 गौड़िया मठ बेचने पड़े और उसके फलस्वरूप मुझे एक जीवंत साधु मिल जाए, एक जीवंत मठ मिल जाए, तो मैं समझूंगा मेरा प्रचार सार्थक है। तो कैसे वो किस वस्तु को लक्ष्य कर रहे हैं, जैसे उनके जीवन में कहता है उनकी पास एक ब्रह्मचारी रहते थे जिनकी माँ विधवा थी, वो रोते हुए श्रील प्रभुपाद जी के पास आके बोलती है कि आप मेरे पे कृपा करो और मैं मेरा एक लौता बेटा है वो ब्रह्मचारी बनके आपके आश्रम में रह रहा है, अगर आप उसको आदेश दोगे तो गुरु के शब्द तो शिष्य अस्वीकार करेगा नहीं, आपके आदेश से वो घर वापस चले जाएगा, मेरी वो सुनता नहीं है, तो आप वो कृपा करके उसको बोल दो कि वो घर चले जाए। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ, मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ कि एक जीव जो आज कोटि कोटि जन्मों के बाद इस भवसागर से पार जा रहा है, मैं कैसे इसको वापस इस माया के दुर में वापस धक्का दे सकता हूँ, कैसे मैं उसको जन्म मृत्यु में वापस धक्का दे सकता हूँ, क्या इसको कोई आम इंसान समझ सकता है? अगर इसको भारी दृष्टि से देखा जाए तो क्या लग रहा है कि प्रभुपाद जी कैसे है, निष्ठुर है। एक वृद्ध माता आई है, उसका बेटा इकलौता बेटा है आपके पास रहता है, उसको बोल दो वापस घर चले जाए, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूँ। तो उनकी जो दया है, जो श्रील प्रभुपाद जी की दया है, वो कौन सी दया है? वो है अमंद उदय दया। कौन सी दया? अमंद उदय दया। और इस जगत में जितनी भी सारी दयाएं हैं वो है मंद उदय दया। कौन सी दया? मंद उदय। मंद उदय दया का मतलब होता है जो एक दिन मंद पड़ जाती है, जैसे दुकानदार बोलता है ना मेरी तो मंदी चल रही है आजकल, यानी कि एक ऐसी दया जो एक दिन मंद पड़ जाए। अगर आपने मानो किसी को भोजन कराया, वो भी दया एक दिन मंद पड़ जाएगी। किसी को आपने विद्या दी, वो भी मंद पड़ जाएगी। तो इस जगत की जितनी भी अनित्य वस्तु है, वो अनित्य वस्तु अगर आप किसी को भी देते हो तो वो दया नहीं है, वो तो अमंद उदय दया है। लेकिन वास्तविक में जो अमंद उदय दया है वो कौन सी है कि किसी एक जीव को जो इस संसार में कोटि कोटि जन्मों से भटक रहा है, उसको आप भगवान के चरणों का आश्रय प्रदान कर दो। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की जो वाणी है, उन्होंने क्या किया, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि गुरु क्या करता है, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला कि उनकी वाणी कैसी है, बोला कि गुरु की वाणी ऐसी होती है जो अपने हाथ में खर बोलते हैं ना उसको, जो खड़क अपने हाथ में खड़क लेके जीव को कहां पे खड़ा करा हुआ है, जहां पे पशु की बलि देते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, जुबकाष्ट बोलते हैं उसको, जुबकाष्ट। जुबकाष्ट वो स्थान होता है जहां पे पशु को बलि देने के लिए उसका गर्दन रखा जाता है, और वो क्या करते हैं अपने हाथ में खड़क लेके खड़ा होता है कि उसकी मैं गर्दन काटूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये वाणी कैसी है, ये ऐसी है कि हाथ में खड़क लेके जीव को जुबकाष्ट के पास खड़ा किया हुआ है कि उसकी आसक्तियों को काटना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुरु कॉम्प्रोमाइज कर ले, गुरु अगर शिष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, उसके अनुसार चले, तो वो गुरु नहीं है, वो साधु नहीं है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने आके जो एक शुद्ध विचारधारा दी है, उस विचारधारा को समझने वाले लोग बहुत कम है, बहुत कम। श्रील प्रभुपाद जी ने तो बोला कि जब तक कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो सकता, वो इसको समझ ही नहीं सकता। तो इसको समझने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग्स बहुत कम है, गिने चुने हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी की जो धारा है, हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि एक ऐसी धारा में आए हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी ने आके में बड़े सुंदर सुंदर सिद्धांत दिए हैं। गुरु, गुरु कौन होता है?
शिला प्रभुपाल जी ने गुरु का देखो कितना सुंदर परिभाषा दिया। जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाल उनको उपाधि मिली सरस्वती की, क्यों? क्योंकि वो सरस्वती का सूर्य सिद्धांत में उनका बहुत बहुत पारंगत थे। वो इतने पारंगत थे कि उन्होंने एक बापू वासु करके कोई व्यक्ति था जिस जो बहुत फेमस था, जिसकी एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन बहुत लोग मानते थे। इन्होंने जब उसके साथ शास्त्रार्थ हुआ उसके शिष्यों के साथ, उनके सामने वो ऐसे हार गए कि वहीं पे ही उनका मलमूत्र निकल गया, इतने स्ट्रॉन्ग इनका सिद्धांत पे प्रवेश था। तो इसलिए इनको उपाधि मिली थी सरस्वती की। और जब शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने गुरुदेव का चरण आश्रय करने के लिए गए शिला गौर किशोर दास जी महाराज जी का, तो शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी ने उनकी इस विद्या को कि सरस्वती की उपाधि मिली है उस विद्या को कैसे देखा कि जैसे कुछ है ही नहीं उनके लिए, उनकी वो विद्या शिला गौर किशोर दास जी महाराज जी के लिए कुछ भी नहीं थी। तो इन्होंने देखा शिला प्रभुपाद जी ने कि मेरी इतनी ऊंची विद्या जिसको पूरा जगत सम्मान करता है, और जब मैं शिला गौर किशोर दादा जी महाराज जी के पास आया वो उसको क्या कर रहे हैं, उसकी कोई अपेक्षा ही नहीं रख रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। तो वहां पे शिला प्रभुपाद जी समझ गए कि इसका मतलब कि इनके पास कोई भी अभाव नहीं है। अभाव मतलब समझते हैं, अभाव मतलब होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को धन की लालच है तो उसका मतलब उसके हृदय में क्या है, धन का अभाव है। बच्चों को विद्या का अभाव होता है कि हमें अच्छी विद्या अर्जित करनी है। किसी को अपने पुत्र का अभाव होता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो उन्होंने देखा कि शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के जीवन में किसी भी चीज का अभाव है ही नहीं। और तब उन्होंने देखा कि मैं इन्हीं के ही चरणों का आश्रय ग्रहण करूंगा, क्योंकि वास्तविक गुरु कौन होता है जिसके जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव ना हो। क्योंकि जब तक कनक कामनी और प्रतिष्ठा, श्री प्रभुपाद जी ने बोला कनक कामनी प्रतिष्ठा बागनी छाड़ी अच्छेदार सही तो वैष्णव, ये जो तीन इच्छाएं हैं धन की इच्छा, कामनी की इच्छा और प्रतिष्ठा की इच्छा, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं कोई अभाव होता है। लेकिन उन्होंने देखा कि शिला गौर किशोर जी महाराज जी के जीवन में कोई अभाव ही नहीं है, उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया। और वहां पे जब शिला प्रभुपाद जी ने उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया, क्या शिक्षा दी कि गुरु कौन होता है, गुरु वो होता है सबसे पहले जिसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव ना हो। दूसरा शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि जो 24 के 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं, अगर वो 24 घंटे में से एक सेकेंड भी इंद्रिय भोग करते हैं, मान लीजिए कि वो 23 hours 59 minutes 59 seconds भगवान का भजन कर रहे हैं और केवल एक सेकेंड इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला उस समय बद्ध जीव क्या करेगा, बद्ध जीव उनके उस वाले भजन को नहीं देखेगा, वो किसको लक्ष्य करेगा, एक सेकेंड की जो उनका इंद्रिय भोग है, और बोलेगा क्यों गुरु जी भी तो करते थे उसमें क्या है, और वो उसको करके मगन हो जाएगा। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने बोला गुरु कौन है जो 24 के 24 घंटे भजन में लगा हुआ है, जिसके जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं है। तब जाके शिला प्रभुपाद जी ने शिला गौर किशोर जी महाराज जी का चरणों का आश्रय ग्रहण किया और उन्होंने बताया कि गुरु कौन होता है, कि गुरु को किस प्रकार से दर्शन करना है। शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि गुरु को हमें दर्शन करना है राधा रानी के नख की शोभा, कि हमारे गुरुदेव कौन है, राधा रानी के नख की शोभा है, यानी कि गुरु रूपम परम सखी, कि वो कौन है, राधा जी की बहुत एक परम श्रेष्ठ सखी है और उस रूप में ही हमें गुरु का दर्शन करना है। प्रभुपाद जी के बहुत सुंदर विचार है कि कैसे हमें गुरु का दर्शन करना है, कैसे हमें साधु संग करना है, कैसे हमें हरि नाम करना है। इतने सुंदर प्रभुपाद जी ने विचार दिए हैं कि हम लोग बहुत जिस संप्रदाय में आए हैं वो बहुत रिच संप्रदाय है। प्रभुपाद जी ने जो वस्तु दी है ऐसी भूतो न भविष्यति। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं अपने चरण आश्रित भक्तों को। आज सुबह भी हम उसके ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी तो बहुत सारे वक्त हैं, समय का अभाव है, सुबह भी मैंने कथा करी थी। अब इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। इतना ही गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। रोहिणी नंदन प्रभु जी आप आ जाइए, रोहिणी मोहन प्रभु चंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने
श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामिने सर्वप्रथम श्री गुरुपाद पद्म नित्य विराम पृष्ठो विष्णुपादष्टो दशरश्री भक्ति वेदांत ने श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझ पर कृपा करें। तत्पश्चात आज जिन महापुरुष की तिथि हम आगे शुभ अवैवा तिथि महोत्सव में हम यहाँ आए हैं, श्रीला जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद, उनके चरणों में मैं अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। उनसे उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करता हूँ। वैष्णव आदेश हुआ है कि आज कुछ पुष्पांजलि श्री प्रभुपाद जी के चरणों में दें। गुण कीर्तन, जैसा हमने वैष्णव से गुरुवर्गो से श्रवण किया है कि गुण कीर्तन कौन कर सकता है, गुण कीर्तन वही कर सकता है जिन्होंने उन गुणों को अनुभव किया हो, जिन्होंने उन गुणों को चेष्टा करी हो पालन करने की, धारण करने की। तो जिस प्रकार से जो वैष्णव से श्रवण किया है, कुछ जो छोटा सा चेष्टा अपने जीवन में करने की चेष्टा कर रहा हो, उसी चीज को आज श्री प्रभुपाद जी के सामने समक्ष रखता हूँ, वैष्णव के समक्ष रखता हूँ कि वो मुझ पे कृपा करें। जैसा कि हमने पूर्व वक्ता से सुना श्रील प्रभुपाद क्या उनकी दया रही, ये हमने सुना कि वो क्या है, मूल गौड़िया जो मठ है हमारे उसके प्रतिष्ठाता है वो श्रील प्रभुपाद। हमने सुना है कौन है, मुझे अनुभव तो नहीं है कि वो कौन है, श्री राधा रानी की क्या है नयन नयी मंजरी है। श्रीमती राधा रानी कृपा कर रही है इन बद्ध जीवों पे किस रूप में, श्री प्रभुपाद के रूप में। उनका आविर्भाव की लीला हमें पता है कि कैसे आविर्भाव हुआ। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी जब देख रहे हैं शुद्ध भक्ति प्रचार के लिए उन्हें एक सेनापति चाहिए, इस प्रचार के लिए उन्हें एक सेनापति चाहिए, तो गए भगवान की शक्ति के पास और उनसे जाके प्रार्थना करी। आज सुबह ही महाराज जी से हमने श्रवण किया कि जिस प्रकार अद्वैताचार्य जी के आह्वान करने पे श्रीमद् महाप्रभु आए, उसी प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी के आह्वान करने पे श्रीला प्रभुपाद जी आए। अद्भुत जीवन चरित्र, बड़ी बड़ी उन्होंने इतने सुदृढ़ सिद्धांत दिए शुद्ध भक्ति के बारे में। और अगर सरल रूप से मैं अपनी मोटी बुद्धि से कुछ समझता हूँ जैसा वैष्णव से सुना है, तो क्या देखा, उनकी दया। क्या कर रहे हैं शीला प्रभुपाद वहां उस जगत में, श्रीमती राधा रानी की निजदासी हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके कहने पर मुझ जैसे बद्ध जीव का उद्धार करने आए हैं। अगर तिथि पालन करने की मेरे हृदय में कोई चेष्टा है, अगर मैं तिथि पालन करना चाहता हूं, तो मैं पहले क्या देखूंगा, मैं पहले ये देखूंगा कि वो शीला प्रभुपाद किस चीज के लिए आए हैं, किस वस्तु के लिए आए हैं, क्या करने आए हैं। अगर मैंने ये सोच लिया कि भाई वो तो जगत उद्धार के लिए आए हैं, तो शायद उस संबंध में ना वो प्रगाढ़ता नहीं रहेगी। और जैसे ही सोचेंगे शीला प्रभुपाद मेरे लिए आए थे, जैसे हमारे बड़े गुरुदेव पूज्यपाद वामन गोस्वामी महाराज, वो क्या कहते थे, वो कहते थे कि शास्त्रों के जितने भी उपदेश है ना, ये किसके लिए है, ये मेरे लिए है। और अगर तुम मेरे हो, अगर तुम मेरे हो, तो ये उपदेश किसके लिए है, ये फिर तुम्हारे लिए। तो ऐसे ही अगर मैं हृदय में ये धारण करता हूँ कि वो शिला प्रभुपाद राधा रानी के निकुंज सेवा छोड़ के मुझ जैसे बद्ध जीव के उद्धार के लिए आए इस जगत में, इतनी कठोर साधना करने करके उन्होंने दिखाई, इतनी कठोर साधना करके दिखाई, शत कोटि नाम जप कर रहे हैं, 10 साल तक 3 लाख नाम जप रोज, क्या किस चीज के लिए। वो विषय वस्तु तो उनको प्राप्त है, वो राधा रानी की निकुंज सेवा तो उनको प्राप्त है, पर मुझे जैसे पद जीव को दिखा रहे हैं कि साधन करना कैसे है। गुरु आचार्य होता कौन है, शास्त्र तो रखे हुए हैं, शास्त्र उठा के पढ़ने पड़ेंगे, और मेरे जैसे मोटी बुद्धि वाला कभी समझ भी नहीं पाएगा, पर ऐसे आचार्य आके उन शास्त्रों का आचरण करके दिखा रहे हैं। दया कैसी है उनकी, यही तो उनकी दया है कि मुझ जैसे जीव के लिए वो आए। ऐसे कई प्रसंग मिलेंगे हमें उनके जीवन चरित्र में, छोटी छोटी लीलाएं, छोटे छोटे प्रसंगों से इतनी बड़ी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। एक बार अपने सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ वो भिक्षा कर रहे थे, जैसे हम देखते हैं बंगाल भिक्षा में क्या होता है, एक गांव से दूसरे गांव भिक्षा के लिए जाया जाता है,
तो क्या है, चल रहे हैं कीर्तन मंडली चल रही है, प्रभुपाद जी भी चल रहे हैं, थोड़ा सा आगे निकल गए, इतने में जो कीर्तन की आवाज सुन के एक छोटी सी झोपड़ी में एक बुढ़िया थी, उसे लगा कि ये साधु भिक्षा करने आए, अंदर गई कुछ लेने के लिए, जब तक बाहर आई तब तक श्रील प्रभुपाद थोड़ा आगे हो गए, पीछे कुछ ब्रह्मचारी चल रहे थे, तो हाथ में नींबू मिर्ची ला के देने की चेष्टा करी कि लीजिए बाबा ले लो, तो ब्रह्मचारी हंस गए कि अरे अम्मा क्या दे, उनको देखेगा रखो तुम अपने पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और कुछ मील चलने के बाद जब पता चला श्री प्रभुपाद जी को कि ऐसे किसी ने चेष्टा करी थी कुछ सेवा करने की, तो वापस आए, अपने हाथ से उस चीज उस वस्तु को लिया और फिर अपने शिष्य को समझाया कि देखो करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों के बाद किसी जीव के अंदर सेवा करने की इच्छा चेष्टा अभिलाषा उत्पन्न होती है, वहीं तुमने रोक दी। अरे कोई एक पैसे की करे तो उस पैसे की करे, 10,000 की करे उसको ले लो, एक बार उसका संस्कार बनना शुरू होगा। इतनी छोटी छोटी शिक्षाएं दे रहे हैं, एक बार उन्होंने अपने कुछ शिष्य को एक स्थान पर भेजा, वहां उन्होंने उनके शिष्य ने बड़ा अच्छे से प्रचार किया, एक सन्यासी थे उन्होंने बड़े अच्छे से प्रचार किया, लोगों को जोड़ा, स्थान दिया, स्थान पे मंदिर बनाया और एक दिन विग्रह प्रतिष्ठा होनी है। उस विग्रह प्रतिष्ठा के लिए शिला प्रभुपाद जी को बुलाया गया, तो जैसे शिला प्रभुपाद जी ट्रेन से उतरे हैं, सभी उनको लेने आए हैं, तो एक एक से पूछ रहे हैं और तुम कैसे हो, कैसा चल रहा है, तुमने क्या चेष्टा, क्या में जा रही है, जैसा कि हमने भी पूर्व वक्ता से सुना कि उन्होंने उसके अंदर क्या देखा कि क्या कृष्ण भक्ति करना चाहता है, क्या गुरु निष्ठा, क्या गुरु सेवा करना चाहता है, क्या उसके अंदर है पद्धता है, गुरु गलत संस्कार है उसकी वजह से कुछ गड़बड़ करेगा। पर क्या किया उन्होंने, उस व्यक्ति उस ब्रह्मचारी को वापस बुलाया, ये ऐसी दया क्या देख पाएंगे हम, है क्या। उन्होंने कहा कि साक्षात उन्होंने राधा रानी के उस निकुंज को यहाँ प्रकट कर दिया, अब इस पे मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है, अगर मैं इस मंच में आ रहा हूँ, इस स्थान पे आ रहा हूँ, तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी क्या बनती है कि क्या मैं उस जो निकुंज को उजाड़ू, क्या करूं, तो सजाऊंगा कैसे, जैसे ही मैं यहाँ पे आऊंगा तो क्या करूं, यहाँ की सुगंध लेके बाहर की दुर्गंध लाके यहाँ पे फैलाने की कोशिश करूं, 20 माले की, 30 माले की, 40 माले की मंजिल बना, तो क्या ये देखते हो ये इसने एक पाव सीमेंट खराब कर दी, या इसने एक मुट्ठी बजरी फेंक दी बिस्तरी में, क्या हम इन चीजों को देखते हैं, तो क्या इन जागृतिक छोटी छोटी चीजों में लक्ष्य सामने, तो उस बड़े चीज की तरफ देखे ना, और इसका फाउंडेशन कैसा होगा, होगा पर हम कहां लगे हुए हैं, कर रहा हूं हम, तो अगर चार धाराओं को डालना चाहता हूं, तो सबसे खराब चल रही है, तो यही बोल के अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म चित्रलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साक्षात दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्यलीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्रीमद गुरी गोस्वामी अनंत कोटि ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज एवं श्रीपाद माधव प्रिय श्रीपाद संजय प्रभु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त श्रोत मंडली मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज शिला प्रभुपाद भक्ति में आप जानते होंगे उनका प्रणाम मंत्र में आता है कि अप सिद्धांत ध्वांत हारिणे, अप सिद्धांतों का उन्होंने खंडन किया, जगह जगह लोगों को ये मान लो आपने उन्होंने
हरा दिया जगह जगह बड़े बड़े विद्वानों की स्थान स्थान कत मठ स्थापिया निष्कपट प्रेम सेवा शिखाते जीवे। प्रभुपाद जी ने स्थान स्थान पर कितने मठ स्थापित किए जगह जगह पर, और अपने जो उनकी शिष्य गण है उनको भी सेवाओं में लगाया, स्थान स्थान पर भेजा। बोले मठे न वैष्णव गण कर सदा वितरण हरि गुण खतामृत भावे शुद्ध भक्ति मंदाकिनी विमल प्रवाहानी शीतल करी तप्त प्राण देशे देशे निष्किचन प्रेली वैष्णव गण विस्तारित हरि गुण गान। बोले कि प्रभुपाद जी ने जो भगवान महाप्रभु के द्वारा भेजे गए निज गण थे, आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी प्रभुपाद के निज गण हैं। प्रभुपाद ने इनको बोला, आदेश किया कि देशे देशे निष्किचन प्रेरिला वैष्णव गण, सभी को देशों देशों में भेजा, जहां जहां पर भी गए सब ने हरि गुण की गाथा गई, भगवान की लीला का विस्तार किया, भगवान की जो कथा है उसका विस्तार किया। प्रभुपाद जी की एक एक गण जगह जगह जाकर ये सारी गुण गाथा भगवान की सबको बताते हैं और बोल रहे हैं, उठो रे भाई आर तो समय नहीं, कृष्ण भज बलो उच्च स्वरे, सबको बोल रहे हैं उठो रे भाई आर तो समय नहीं। और बोल रहे यहाँ पर गोड़िया पठाओ घरे घरे, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर गोपाल जी ने जो गोड़िया निकाला पत्रिका है ये है वैकुंठ वार्ता। वैकुंठ वार्ता क्या होती है, जो कभी रिपीट नहीं होती, ये उस जगत से आई हुई वार्ता है जो हमें श्रील प्रभुपाद की कृपा से मिली और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, हमारे गुरुपाद पद्म उसको निरंतर रख रखे हैं। एक जगह बोल रहे हैं विष्णुवेद गुणगान करील जीवेन त्राण सुनियाची साधु गुरु मुखे अदुष दर्शी तुमी अधम पतितामी निज गुणे शमी वामारे। बोले अदुष दर्शी प्रभु जिन्होंने वंदना लिखी श्री प्रभुपाद जी के लिए, बोल रहे हैं प्रभुपाद जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कैसे थे, अदुष दर्शी, अदुष दर्शी अधम पतित, जो अधम लोग थे जो मेरे जैसे पापी लोग अधम लोग, उन जैसों को प्रभुपाद जी ने तारने के लिए इस जगत में आविर्भूत हुआ शिला भक्ति विनोद ठाकुर के माध्यम से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कभी भी किसी भी अप सिद्धांत को कोई आश्रय नहीं देते थे, उन्होंने जितने भी अप संप्रदाय थे उन्होंने खंडन किया उनका, जगह जगह बताया कि जब अब सिद्धांत वाले लोग बोलते हैं कि महाप्रभु की जन्म स्थल ये है और ये नहीं है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर प्रभुपाद ने बता दिया, भक्ति विनोद ठाकुर ने बता दिया था पहले कि ये है, सभी जगह ये प्रचार हो गया कि महाप्रभु की जन्म स्थल यही है, तो हम सब वैष्णव उनकी धारा में आते हैं और हम उन्हीं का ही अनुयाजन करते हैं और हम उन्हीं के ही चरणों में पुष्पांजलि देते हैं। यही मैं समाप्त करता हूँ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। तदीय शुभ आविर्भाव निधि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। मैं कुछ कहते समय थोड़ी लज्जा आ जाती है क्योंकि बड़े बहुत छोटा हूँ। महाराज जी बहुत जय जय है
किंतु हृदय में एक उत्साह आता है उनको देख करके हमारे माधव प्रिया प्रभु जी को देख करके कि शिक्षा गुरु का और दीक्षा गुरु का जो अभिन्नत्व गौड़ीय साहित्य में कहा गया है कि गौड़ीय साहित्य में जो बताया गया कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु संपूर्ण रूप में अभिन्न है। जब हम हमारे महाराज जी को देखते हैं हमारे भाषा में हम कुछ एक दो शब्द कह दें उसको स्वागत स्वरूप ही कह दें। हमारे महाराज जी के पूज्यपाद दीक्षा गुरु जो हैं श्रीला प्रभुपाद जी के अन्यतम गण श्रीला भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी उनकी बड़ी अद्भुत महिमा है। उन्होंने प्रभुपाद जी की बड़ी अद्भुत मनोभीष्ट सेवा को किया। ये वेदांत सूत्र गोविंद भाष्य के साथ जो प्रकाशित इसके पढ़ लेंगे और महाराज जी की जो उसमें सब टीकाएं हैं उनको विद्या वागीश की उपाधि दी प्रभुपाद जी ने। विद्या वागीश की श्रीला सिद्धांति गोस्वामी अद्भुत उनकी महिमा बड़ा मूर्धन्य विद्वान थे वो हमारे महाराज जी के दीक्षा गुरु जी हैं और गुरु महाराज जी हमारे महाराज जी के शिक्षा गुरु हैं। उनके जीवन का एक आदर्श था श्रीला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के जीवन का एक आदर्श था। उनको मठ में लेकर आए श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी। उन्होंने अपने जीवन में अपने शिक्षा गुरु को श्रीला प्रभुपाद जी से किंचित मात्र भी कम मर्यादा कभी नहीं दी। उनका आदर्श था उनके शिक्षा गुरु जो उनको मठ में लेकर आए श्रीला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज जी उनके पति श्रीला सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी की जितना भी उनके चरित्र में पढ़ते हैं किंचित मात्र भी श्रीला प्रभुपाद जी से कहीं कोई कम उनकी बुद्धि नहीं थी अर्थात एक ही समान समझते थे। सब समय उनकी महिमा का गुणगान करते थे उनका नाम लेकर करंदन करते थे ऐसा उनके टेप में हम लोग सुनते हैं। उनके प्राचीन जो शिष्य हैं उनके मुख से भी सुनते हैं। हमने महाराज जी के जीवन में भी इस बात को यदि भी इस बात को कहने के लिए मुझे अनुभव होता है मैं बहुत छोटा हूँ अभी किंतु कुछ पोतरी भाषा में जो अनुभव होता है उसको कहने की इच्छा होती है। हमारे महाराज जी के जीवन में इस बात को देखकर बड़ी सुंदर शिक्षा मिलती है। गुरु पाद पद्म जो दीक्षा गुरु हैं उनके साथ गुरु महाराज जी जो शिक्षा गुरु है वो बहुत सुंदर रूप में सारे वर्ष केवल अपने दीक्षा गुरु पाद पद्म की महिमा का गान करने का अवसर मिलेगा उनकी आविर्भाव तिरुभाव तिथि पे और गुरुजी की महिमा पूरे वर्ष गाएंगे जहां भी जाएंगे। और उनके जीवन में गुरुजी के प्रति जो भावना जो कृतज्ञता दिखाई देती है बहुत सुंदर शिक्षा देती है। ऐसे हमारे माधव प्रिया प्रभु जी हैं हमारे सिद्धांति महाराज जी इनको जब देखते हैं तो लगता है गौड़ीय साहित्य में जो ये वचन कहे गए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का अभिन्नत्व तो, ये बड़े सुंदर प्रभु जी गुरु महाराज जी अपने इन भक्तों के माध्यम से हम लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं। और हमारे गुरु महाराज जी हम तो कुछ कुछ देखा हम तो बड़े बाद में गुरु जी के निकट में आए अभी भी मैं तो समझता हूँ निकट में नहीं आए अभी भी बहुत दूर है किंतु जो भी कुछ परिक्रमा की और प्राचीन जब कथाओं को सुनते हैं तो महाराज जी के प्रति बड़ी उनकी स्नेह बड़ी प्रीति थी। सब समय कथा में उनको जिस प्रकार से आगे करते थे महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी वो देख करके हृदय में बड़ी सरसता होती गुरु जी की बड़ी स्नेह और प्रीति महाराज जी के प्रति थी। महाराज जी ने बड़ी व्यक्तिगत रूप से भी गुरु महाराज जी की बड़ी सेवा की है और अभी मैं कहने जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा। महाराज जी का पूर्व नाम श्रीपाद रसानंद ब्रह्मचारी जी था। ये रस धर्म क्या है वो रस स्वरूप है तो हमारे गुरु महाराज जी भी हास परिहास कहते थे अब ये रस का वर्षन करेंगे। हम टेप सुनते हैं गुरु महाराज जी की कथा सुनते हैं कहीं गिरिराज जी की महिमा है प्रयास करते महाराज जी के लिए ऐसे ही कहते थे अब गुरु जी की शब्द बता रहा हूँ रसानंद जी रस का वर्षन करेंगे तो हमारा बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हमारी इच्छा भी है कि आज हम महाराज जी से अधिक अधिक सुने महाराज जी के चरणों में हमारा निवेदन है महाराज जी कुछ अपनी अनुभूति उपलब्धि प्रभुपाद जी के विषय में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति विज्ञान श्रील भारती गोस्वामी के चरण सरोज में पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण का बहुत बहुत बढ़िया दिन ये गौड़ीय मठ का 19 प्रत्याख्यान कर दिया बोले मैंने शिष्य नहीं बनाऊंगा लाज व्रत करना शुरू कर दिया कभी उन्हें तक ध्वज नहीं छोड़ दिया। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जाकर के बोले ये बच्चे को क्या मारना लगे
कि बच्चे को क्या मार डालोगे, इसको तो हरिनाम दिखा दो। बोले ठीक है, जब प्रभुपाद गए बोले कल आ जाए। जब कल आए बोले मैं महाप्रभु को पूछ जीवों को जो मंदिर ही बना करके हैं, जैसे भक्ति की चौसठ मंदिर बना करके हमें जो रहने का जो योग्यता प्रदान की, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पुण्य गए एवं निर्भी, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं, ये मुक्ति की दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं। इसलिए ये प्रभुपाद नहीं आते तो दुनिया में जो थोड़ी बहुत भक्ति दिख रहा है वो भक्ति लुप्त हो जाता। आपको पता है हर देश में एटम बम बना कर रखे हैं। पास इस बार अगर विश्व युद्ध चढ़ गया ना, सबके राम नाम करते अगर 25% एटम बम गिर गया तो दुनिया ध्वंस हो जाएगा। लेकिन अभी एटम बम क्यों नहीं गिर रहा है? तो प्रभुपाद की वजह से, ये प्रभुपाद की वजह से है। क्योंकि कृष्ण का प्रतिज्ञा है कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। अगर एटम बम गिरी तो भक्त भी मरते, भक्त भी मरेंगे, इसलिए भगवान की वाणी नष्ट हो जाएगा। इसलिए ठाकुर जी कहते ना ददा भी बुद्धि जगतम जन्माम उपजानती थे। बुद्धि देने वाले कौन है? कृष्ण ही तो बुद्धि देने वाले है ना। इसलिए ठाकुर जी आप लोग जब तक ये हरिनाम करेंगे गले में कंठी वाला पहनोगे ना, ये विश्व युद्ध होने वाले नहीं। इसलिए आप लोगों का वजह से ही अभी दुनिया में, केवल आप लोगों का वजह से ही ये दुनिया अभी टिका हुआ है। हम जो तिलकधारी कंठीधारी और मालाधारी है ना, आपकी वजह से दुनिया ये टिका हुआ है। इसलिए श्री प्रभुपाद की कितने महिमा है। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो प्रभुपाद के लिए कहते थे, एक बहुत बड़ी बात बोलते थे। वो कहते थे अभी तक जगत में जितने आचार्य आए हैं, एक तराजू लो, तराजू का एक तरफ में उन्होंने जो जगत के लिए जो दिया है, जगत के लिए उन्होंने जो दिया, तराजू का एक तरफ में धर दो और तराजू के दूसरे तरफ में केवल प्रभुपाद का जो देन है। प्रभुपाद ने जगत को जो दिया है, यदि ये तराजू के दूसरे तरफ में रख दो कहते प्रभुपाद का पल्ला भारी पड़ेगा। क्या पड़ेगा? इतने बड़ी बात, ये साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसे मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तक जितने आचार्य आए, कितने साधु आए पृथ्वी में बताओ, कितने साधु आए हैं और इनकी जो अवदान अगर पल्ले को एक तरफ में रखो, प्रभुपाद अगर रखो, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे समझ में नहीं कैसे हो सकता है। लेकिन देखा सचमुच से बात सही है, क्योंकि ये प्रभुपाद है कौन? कहती है प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कहते राधा रानी की नयन मणि मंजरी। नयन मतलब क्या? आंखें हैं। मणि मतलब उसका अंदर जो पुतला है, ये राधा रानी की आंखें की पुतला है। हम लोग आते हैं ना मुनिंद्र बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भोगिलासिनी प्रजेन्द्र भानु नंदिनी सोनु संगते तथा करी शशी रमम पिता कटाक्ष भाजनम। कहते ना कदा करी शशी रमम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे कब ऐसे दिन आएगा जो आपकी जो कृपा कटाक्ष की हम अधिकारी हैं? इसलिए राधा रानी की कृपा कटाक्ष कौन है? इसलिए प्रभुपाद है। त्रिलोक शोक हारिणी जिनकी कृपा कटाक्ष तीन लोगों का दुख को जो दूर करने वाले, कहते इनकी कृपा कटाक्ष है। सबरे गाते हैं ना शुभ दृष्टि कर प्रभु जागते रघुपती जागो का हृदय मोरा सुमंगलाया। इसलिए हम मंगलारती में गाते हैं कृपा दृष्टि कर प्रभु जगत प्रति है राधे, हम सबको पर में आप कृपा दृष्टि करो। वो कृपा दृष्टि क्या है राधा रानी? करुणा कुरुमयी करुणा नयते। राधा रानी दया की करुणा की सागर है। राधा रानी
मानव करुणा की सागर ही इसलिए भक्ति सिद्धांत ये सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद रूप में आए, प्रभुपाद रूप में आए और हम सब जीव को ऊपर में उन्होंने कृपा की और राधा रानी की कृपा के जितना महिमा दुनिया में कभी उनको बराबर भी कर सकते कोई कर ही नहीं सकते। इसलिए सचमुच से हमारी भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जो बोले वो सही बोले हैं। इसलिए पहले पहले जो आचार्य आए आप देखो कहीं देश का किसी एक कोने में कहीं थोड़ी बहुत प्रचार कर लिया, कहीं किसी कोने में थोड़ी बहुत प्रचार किया, लेकिन संपूर्ण विश्वव्यापी महाप्रभु का जो वाणी है, हैं? जो महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी ते आशीर्वाद नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है विवरना सुखी है या लोक मर गायब विकृति, ये महाप्रभु का भविष्यवाणी है। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में मेरे नाम गूंज उठेगा, मेरे नाम गूंज उठेगा, सब लोग प्रसन्न होकर के हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि ये महाप्रभु का भविष्यवाणी को महाप्रभु जिसको जिसको द्वारा जितना करवाना चाहे था उतना करवाए, लेकिन अगर पूर्ण रूप में देखो तो मुक्त प्रग्रह रूप में पूर्ण रूप में देखे तो ये वाणी का संपूर्ण रूप में जगत में किसने स्थापना किया है, कहते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने किया। बोले श्रील प्रभुपाद की केवल किया नहीं, इसलिए हम कहते फले न परिचयते, वृक्ष की महत्व कब पता चलता है फल को पता। भाई अगर आम कटहल का पेड़ चीकू का पेड़ हो ना भैया ये पेड़ को रखो क्यों फलदार है, लेकिन अगर कोई बबुल पेड़ हो काट कर फेंक दो कांटा वृक्ष होगा। इसलिए पेड़ का जो महिमा फल से केवल उन्होंने प्रचार किया ऐसे नहीं, उन्होंने प्रचार करके उसमें जो तिब्बत तिब्बत फल आए ना वो कोई साधारण फल नहीं आए। अभी आप सुन रहे थे ना उनका जो एक एक जो शिष्य हुए प्रभुपाद का, हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, महाप्रभु का परिक्रमा में इतनी शक्ति है एक एक ब्रह्मांड को एक एक व्यक्ति तार सकते हैं। अगर किसको अंदर में दिखाई पड़ता है ना ये प्रभुपाद और उनके शिष्यों का अंदर में ये सब चीज इनकी शिष्यों का अंदर में देखने को मिलता है। कहते हैं कि शिष्य लोगों ने वो जिधर जिधर गए ना जिस देश का एक कोने में कहीं भी चले गए जिस तरफ में गए एकदम उसी तरह में प्रेम की बाढ़ को उन्होंने ले आया। श्री भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज उनके शिष्य में ये करने तमें और ऐसे निकले और ऐसे विदेश में गए संपूर्ण विदेश को उन्होंने कृष्ण भक्ति में बना दिए। और हमारे श्री गुरुदेव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज हम उनका शिष्य के शिष्य है, उन्होंने ऐसे साधन भजन किया महाराज ने, ऐसे साधन भजन किया महाराज ने इस साधन भजन को द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को भी हमारे गुरुदेव ने सारा दुनिया में भी उन्होंने कृष्ण भक्ति की प्रचार और उन्होंने प्रसार किया है। इसलिए इनका अवदान अद्भुत अवदान है। इसलिए इनके लिए उदाहरण देते हैं जैसे श्रीमद् महाप्रभु जगत में जो आए थे चार कारण को लेकर के आए थे, कितने कारण को चार, क्या क्या बोलो उसमें कुछ गौण कारण और उसमें कुछ मुख्य कारण। इसलिए प्रभुपाद का जीवन में भी दिखाई पड़ता है इनके जीवन में भी कुछ गौण कारण साधारण कारण और कुछ मुख्य कारण है, क्या क्या है तो विचार करते हैं। महाप्रभु जगत में आए इनका गौण साधारण कारण किया था, जगत में कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन एतद अर्थ अवतीर्ण से सचिनंदन, महाप्रभु इसलिए जगत में आए थे कलियुग का जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। इन्होंने तो महाप्रभु जगत में आए प्रचार और प्रसार किया, लेकिन जब धीरे 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 आउल बाउल नेड़े नेड़ी अपसंप्रदाय के द्वारा कहते भक्ति धारा में कभी उसमें कभी बाढ़ भी आती है, कभी उसमें जुहार आती है, कभी उसमें घाटा भी आती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। इसलिए जब धीरे धीरे ये भक्ति की धारा धीरे 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 खत्म होते चली गई है, धीरे धीरे फिर अपसंप्रदाय आकर के छा गए और महाप्रभु का भक्त बोल करके बाबा जी माता जी का दल है, बीड़ी फूंकने वाले सिगरेट खाने वाले
और सारे गंदे काम करने वाले बंगाल में अभी भी है। इसलिए मांस मछली खाते हैं, तिलक बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, गले में कंठी पहन करके था, महाप्रभु का भक्त है। इसलिए उसी समय में क्या होने लग गया था, लोग जब सुन रहे थे ये चैतन्य महाप्रभु का भक्त ऐसे आदमी नेड़ा नेड़ी हाँ लाल कपड़े लेकर के बाबा जी माता जी का गल है और बीड़ी फूकने वाले मांस मछली खाने वाले तिलक कट्टी लगाए नाग सिपराया करते थे ऐसे लोग सबके सब महाप्रभु का लाइन में। लेकिन जब प्रभुपाद आए हैं, उन्होंने प्रभुपाद आ करके हम जो भागवत में सुनते हैं दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा, ये चार वस्तु कलि का स्थान है। दुतम जुआ जितने तरह का नस्ली वस्तु और अवैध स्त्री सन और उसमें जीव हिंसा। लेकिन अगर ये श्लोक को अगर किसी ने संपूर्ण दुनिया में पूर्ण रूप में स्थापन किया तो किसने किया है, चलो प्रभुपाद ने किया है, चलो प्रभुपाद ने किया। दूसरे दूसरे संप्रदाय में जाओ देखोगे बीड़ी भी फूंकते हैं, तिलक भी लगाए, गज्जा भी लेते हैं, चाय तो पीते हैं, चाय तो कोई बात नहीं, कोई कोई प्याज लहसुन खाते हैं। लेकिन हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भी ऐसे कुछ साधु जो गुटखा भी खाते हैं, गुटखा भी खाते, चाय तो कोई बात नहीं, चाय भी पीते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे एक आचार्य हुए, एक केवल प्रभुपाद ऐसे एक आचार्य हुए, जिस समय श्रील प्रभुपाद जगत में प्रचार और प्रसार कर रहे थे, इनकी ऐसे प्रतिभा था प्रभुपाद की, ऐसे प्रतिभा था प्रभुपाद की, सारा दुनिया में टहलका मचा दिए, सारे दूसरे संप्रदाय का लोग डर गए प्रभुपाद को विचार, प्रभुपाद को प्रचार देकर डर गए। कुछ लोग ने प्रभुपाद को पास ना आए, वे प्रभुपाद अगर दो चीज को अगर आप छूट दे दोगे ना, पृथ्वी का जितने सारे संप्रदाय आपकी संप्रदाय में आ जाएगी, फिर कोई संप्रदाय नहीं रह जाएगा, सबके सब आपकी धारा में अभिषिक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले भैया दो चीज कौन सा दो चीज छूट दे दो, बोले एक चाय और एक बीड़ी, कहते चाय और एक बीड़ी, ये इसलिए आप लोग अभी चाय नहीं पीना ठीक है ना, केवल तिलक कंठी लगाने पर नहीं, इसलिए कुछ कुछ भक्त तो दीक्षा मात्र लिए अभी भी चाय पी जाए। प्रभुपाद देखो क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भैया मेरे को एक चंद्रमा की जरूरत है, हमें लाख हमें तारा की जरूरत नहीं, एक चंद्रमा सारा दुनिया की अंधकार को नाश कर देता है, लेकिन लाख तारे कुछ भी नहीं कर पाते, हमें एक केवल एक चंद्रमा की जरूरत है, जो कि एक सचमुच से एक शुद्ध भक्त बने जिसको सारा जगत का कल्याण हो है? एक शुद्ध भक्त अगर जगत में जन्म हो जाता है, कहते त्रिकोटि कुल रहा श्री वैकुंठवास, वृंदावन दास ठाकुर कहते तीन करोड़ पूर्व जो की वैकुंठवास होता है, जब वो हाथ उठा करके नृत्य करते हैं स्वर्ग में देवता का कल्याण होता है, जब वो प्रेमयी दृष्टि से दुनिया को दर्शन करते हैं सारे अमंगल भाग जाती हैं, जिनकी चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी भी अपनी आप को धन्याती धन्य मानती है। एक अगर शुद्ध भक्त जगत में जन्म हो जाए, ऐसे प्रभुपाद ने ये शुद्ध भक्ति धारा को जगत में लाए। इसलिए महाप्रभु का जगत में आने का पहला कारण क्या था, हरिनाम संकीर्तन। इसलिए देखो प्रभुपाद ने कैसे जगत में प्रचार किया, कहते ना आचार करने के वो ना करे प्रचार और प्रचार करने के वो ना करे आचार। जगत में कोई आचरण करता है लेकिन प्रचार नहीं करता, लेकिन जगत में कोई प्रचार करता है आचरण नहीं करता, लेकिन आचार प्रचार नामे करो तो कार्य। प्रभुपाद ने दो काम को किया, एक आचरण में और एक प्रचार में। क्या इनके आचरण था, अब लोगों ने सुने है ना, तीन तीन लाख दिन में हरिनाम करते थे, अगर कोई सोलह माला करता है ना देख लेना, सवेरे से लेकर शाम तक दम लगा देते लास्ट तक उसका सोलह माला कर दिया होता। लेकिन उन्होंने कितना नाम किया, चार माला सोलह माला कर दो तो एक लाख होता है, हैं एक लाख होता चौसठ माला में, तीन बार चौसठ चौसठ माला करते थे हाँ, अपवित रूप में बारह साल तक उन्होंने सौ करोड़ उन्होंने नाम जित्र किया, सौ करोड़ उन्होंने नाम जित्र किया। इसको इसलिए जिसका जितने आचरण जिसको जितना दृढ़ है ना, जितना अच्छा है उसका प्रचार भी जगत में उतना ही प्रचार होता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आचार विहीन जो प्रचार है ये कर्म कर्मागर के अंतर्गत है,
इसलिए महापुरुष ने स्वयं आचरण किया और संपूर्ण विश्व में उन्होंने अपना हरिनाम पूर्ण जगत में दिया। जगत में महाप्रभु आने का दूसरा कारण क्या था? अनर्पित चरिचिरा करुणयाव तीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसां सो भक्ति श्री। इसलिए महाप्रभु जगत में आए थे राधा रानी की निकुंज मंदिर की सेवा करने के लिए, हैं? इसलिए उनकी मंदिर की सेवा देने के लिए, श्री की जो शोभा देने के लिए आए थे इस जगत में महाप्रभु। देखो प्रभुपाद ने क्या किया, इसलिए प्रभुपाद का उपदेश में पढ़ना बारंबार कहते हैं, बोले रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल होना ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य। अभी जो प्रभु कभी कथा सुना रहे थे ना प्रभुपाद की उपदेशा मृत उसका जो पहला नंबर जो उपदेशा मृत है, किसने प्रश्न किया प्रभुपाद को, कृष्ण सेवा को पूर्ण रूप में कौन प्राप्त करता है? तो प्रभुपाद कहते हैं वही व्यक्ति कृष्ण सेवा की पूर्णता को प्राप्त करता है जो रूपानुभव होकर के राधा रानी की अनुगत्य में श्री श्याम सुंदर की सेवा करते हैं, राधा रानी की कण में कणित होकर के जो श्री रूपानुभव की अनुगत्य में जो सेवा करते हैं पूर्ण रूप में कृष्ण सेवा उसको ही प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद ने बारंबार उन्होंने प्रार्थना करते हैं कब ऐसे सौभाग्य होगा श्री रूप गोस्वामी के चरण की एक धूल को जो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद यही चीज देने के लिए आए थे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं बोले भैया जिंदगी भर जंगल काटते काटते मेरा समय चला गया। वो कहते जंगल काटते काटते समय चला गया क्योंकि ये वस्तु तो दुर्लभ वस्तु है, लेकिन ये वस्तु हम देख इसको पहले तो अधिकारी बने हैं ना। इसलिए प्रभुपाद कहते मैंने जिंदगी भर जंगल मैंने कोशिश किया इस जंगल को काटने के लिए। जंगल मतलब क्या? जितने तरह का। इसलिए जिस समय प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, क्या प्रचार प्रभुपाद कर रहे थे? जितने सारे कितना सिद्धांत धंत श्री रूपानुग विरुधाग सिद्धांत धंत हारिने। इसलिए रूपानुग का जितने विरुद्ध धर्म है सारे विरुद्ध धर्म को खंडन कर रहे थे। क्या क्या? एक तरफ में मायावाद है, इसलिए भक्ति सिद्धांत उनको जितने उनको टीका में अक्सर करके देखना कोई भी प्रसंग लाए ना झट उन्होंने मायावाद को खंडन करते। इसलिए उन्होंने बोले जब तक जगत में ये ब्रह्मवाद मायावाद रहेगा तब तक ये शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को बोले, इसलिए हमारे महाराज क्या किए मायावादी जीवन लिखे, अद्भुत ग्रंथ लिखे मायावादी जीवन उन्होंने भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज लिखे। दूसरे तरफ में अवतार बाद बंगाल में तो जिस समय प्रभुपाद आए इतने अवतार बाबा जैसे खेती में बीज होते हैं ना, इसे बंगाल में से भगवान रामकृष्ण भगवान परमहंस भगवान अनुकूल बाबा भगवान प्रतिकूल बाबा भगवान बाल ठाकुर भगवान सब भगवान 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 इतने अवतार बाद वहां पर थोड़ी सी कोई रिद्धि सिद्ध करते हैं भगवान आगे ये भगवान आगे। इसलिए एक तरफ में अवतार बाद खंडन कर रहे थे, दूसरे तरफ में सहजियावाद को। इसलिए सहजियावाद को है जो हाँ, इसलिए आते ही भक्ति में आया प्रभुपाद कहते थे जिसको शौच करने का बाद में भी कैसे हाथ को साफ करना जो नहीं जानते बस आते ही भक्ति में जो बाबा जी दल है हाँ, बाबा जी माता जी दल है बस तो लड्डू मंजरी रसगुल्ला मंजरी खीर मंजरी बस मंजरी मंजरी बनाते हैं उनको मंजरी मंजरी का एकादश भाव ये तुम्हारे आयु ये वस्त्र ये सब सबके सब देते थे। प्रभुपाद घोर विरोध करते थे, इसको सहजिया कहते हैं। जिस प्रेम को ब्रह्मा शंकर प्रार्थना करते हैं तुम आसानी से उसको गोपी मंदिर दे दिया। और चौथा तरफ में जात गोसाई, जात गोसाई मतलब होता है जो लोग गोस्वामी परिवार में आए हैं हैं, पहले कोई गोस्वामी था हैं, कोई अभी जैसे बंगाल में हम नित्यानंद परिवार हम अद्वैत परिवार हम ये परिवार हैं परिवार 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 अरे पहले कोई था मछली खाते हो मांस खाते हो बीड़ी फूकते हो भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं हम तो इसी परंपरा में आए इसलिए हम गुरु बनने का हमारा लायक है। लेकिन प्रभुपाद ने क्या की
ऐसे उन्होंने एग्जीबिशन में प्रभुपाद ने दिखाया कैसे, क्या एग्जीबिशन दिखाया, घर में गुरु जी आए, गुरु जी को बढ़िया भोजन देना पड़ेगा, क्या सबसे बढ़िया मछली ला, बंगाल में ये प्रथा है, इलिश मछली सबसे बढ़िया मछली वाली इलिश वहां से लाओ, आज गुरु जी आए बढ़िया करके गुरु जी को भोजन देंगे। इतनी टेंशन में प्रभुपाद ने एग्जीबिशन दिखाया कैसे चेला गुरु जी को मछली भेज दे रही, ऐसे प्रभुपाद ने विरोध किया इस चीज को, ऐसे विरोध किया सबके सब धीरे 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 इनकी तरफ में आने लग गए, जो चार गोसाई थे ना बोले भैया इतना हमारे पेट में लात मार रहा है, बोले इसको जान से खत्म करना प्रभुपाद को, जान से खत्म कर देंगे। इसलिए जब प्रभुपाद अपना परिक्रमा लेकर के पड़ो माया तालाब में गए, वो पहले से ही सोढ़ा बोतल ईट पत्थर लेकर के पहले प्रस्तुत करके रखे थे, और प्रभुपाद वहां पहुंचते ही ईट पत्थर जूता फेंकना सोना की बोतल प्रभुपाद को जान से मारने के लिए। लेकिन उसी समय में हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ब्रह्मचारी वेश में थे, उनको फटाफट उन्होंने किसी घर में लेकर गए, पूरे श्रेय से सेवा की, घर में लेकर के बोले गुरु जी आपने ये सफेद कपड़े पहन लो, आपका संन्यास ड्रेस मुझे दे दो। कोई बोल सकता है गुरु जी को किसका इतना हिम्मत है, गुरु जी को कोई बोल सकता है आपका संन्यास ड्रेस दो, और मैं सफेद ये कपड़े, कोई ब्रह्मचारी कोई बोल सकता है किसका हिम्मत होगा। कहते जो विश्रम मेहनत गुरु सेवा, जो विश्रम रूप में जो गुरु सेवा है ना, उन्होंने ऐसे इन्हें प्राण को उन्होंने दाव पर लगा करके, हमारे महाराज जी ने दाव पर लगा करके प्रभुपाद को प्राण बचाया। प्रभुपाद को प्राण कौन बचा सकते, वो तो साक्षात नयन मणि मंदिर, वो तो लीला कर रहे थे, हाँ वो तो लीला कर रहे थे प्रभुपाद। इसलिए गुरुदेव कहते हैं उसी समय में ही श्रील प्रभुपाद इनको सन्यासी दे चुके थे, उस समय सन्यासी हो गया था, केवल बाद में स्वप्न जो बारंबार दिए प्रभुपाद, हमारी परिक्रमा बंद हो रहा है, पत्रिका बंद हो रहा है, जल्दी जल्दी ये सब काम करो, तब उन्होंने सब काम किया है। इसलिए प्रभुपाद को जान से मारने के लिए उन्होंने कोशिश किया सबके सब। इसलिए कहते इसलिए दूसरा जो कारण था जगत में आने का, महाप्रभु का अनर्पित प्रेम, उस तरह प्रभुपाद भी जगत में वही प्रेम को देने के लिए कोशिश किए। लेकिन उन्होंने किसी किसी शिष्यों को सिद्ध स्वरूप उन्हें सिद्ध नाम बताया है। कहते श्री कुंज बिहारी जो महाराज थे, भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज, उन्होंने बताया ये विमल मंजरी पत्रिका, उन्होंने पत्र में लिखे विमल मंजरी है, जैसे हमारे विनोद बिहारी ब्रह्मचारी क्या है, उनको विनोद मंजरी है, ब्रह्मचारी का नाम देते हुए वो इंगित दिया जैसे मेरे गुरु जी का नाम सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध स्वरूप है। इसलिए उन्होंने अपना अपना शिष्यों को उन्होंने ये चीज दिया, लेकिन अधिकार देख करके उन्होंने अधिकार देख करके दिया, ऐसा अनधिकार देख करके उन्होंने दिया नहीं। इसलिए कभी जगत में आने का अधिकार जो दूसरा कारण है ये प्रेम। इसलिए मेरे गुरुपाद पद्म कहते हैं, कहते प्रभुपाद का जो स्वरूप है, कहते अनर्थ युक्त व्यक्ति को पास में एक तरह से प्रकाशित हुई और अनर्थ मुक्त को पास में दूसरे तरफ में। तो मेरे गुरुदेव कहते हैं जो अनर्थ युक्त थे उन लोगों ने प्रभुपाद किस रूप में देखा, तो उनको देखा नामय विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिनाम। ये दूसरे सरस्वती हैं बात शक्ति का अधिष्ठाता देवी, और अब लोग श्रवण कर रहे थे तथा कथित विद्वान मिलकर के इनको भक्ति सिद्धांत का उपाधि, तथा कथित विद्वान मिलकर के दिया। क्यों, जब उनकी अंदर में विद्वता के देखी, अभी सुन रहे थे ना किसी जो ज्योतिष था है? जो एक अयनांश शब्द को लेकर विवेचना हुई, प्रभुपाद ऐसे विचार बोले, वो व्यक्ति चेयर में बैठे बैठे कर टाटी में सब कर दिया, इनके विचार सुन सुन करके मुंह बोला नहीं, ऐसे ऐसे विचार प्रभुपाद बोल रहे थे। प्रभुपाद को बोले ये कुर्सी में आप ही बैठ सकते हो, ये प्रिंसिपल पद का आप लो, बोले मैंने ईट पत्थर गिरने के लिए ताराओं को गिरने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु को द्वारा प्रेरित होकर के गोलोक वृंदावन से राधा रानी की वार्ता को लेकर के मैं आया हूँ। बोले आप जब तक इस जगत में रहेंगे ये कुर्सी में कोई नहीं बैठ सकता, ये कुर्सी आपके लिए रिजर्व रहेगा। ऐसे प्रभुपाद विद्वान थे, अद्भुत विद्वान। इसलिए कहते मेरे गुरुदेव, कहते जो साधारण जो लोग है प्रभुपाद किस रूप में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती रूप में देखे, लेकिन जो महाप्रभु का जो अंतरंग परिकर थे, नहीं प्रभुपाद का जो अंतरंग थे, इसलिए वो कह रहे थे
जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु इसी जगत में जब आए वो अकेले नहीं आए, हम कहते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी मेरा परिकर लेके आते हैं। इसलिए जिस समय से प्रभुपाद इस जगत में आए, जब ये निकुंज सेवा में राधा रानी की थी, राधा रानी कहती है नयनमणि मंजरी जाओ, इस जगत में जाओ। इसलिए श्री प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं जब इसी जगत में किसी जीव का दुख दर्शन करते हैं राधा राधा रानी आंखों से आंसू बहाती है। क्यों? एक तरह से हम उनके बच्चे है। अगर बच्चे अगर दुखी हो पिता माता थोड़ी सुखी रह सकते हैं। बच्चों का सुख देखकर पिता माता सुखी रहते हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। इसलिए राधा रानी क्या करती है, कहते जीवों को दुख देकर के आंखों से हर समय असुर विसर्जन करती है। कहते हैं नयनमणि मंजर जाओ, जगत में जा करके तुम ये जीवों को उधार करके लाओ, लेकिन अकेले मत जाया करो, अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकर को लेकर जाओ। इसलिए गुरुदेव कहते थे प्रभुपाद अकेले नहीं आए, वो अपना परिकर को लेकर के आए। इसलिए हमारी भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज जब आए, देखो प्रभुपाद क्या कहते, बोले विनोद तू अभी तक कहाँ था, प्रभुपाद की वाणी है। कहते विनोद अभी तक तुम कहाँ था, देखो वो क्या कहते हैं, बोले गुरुदेव अभी तक आपने मेरे को स्मरण नहीं किया, आप अभी मेरे को स्मरण किया और आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत हो गया। इनकी वाणी है, बोले जब जिसको प्रभुपाद ने बुलाया ना, इसलिए जिस समय प्रभुपाद अपना स्वप्न समाज में जब देख रहे हैं, जो गुरु वर्ग ने मेरे ऊपर बहुत दायित्व दिया, क्योंकि प्रभुपाद की जो योग्यता थी इसको देख करके गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, कहते इनकी विद्वता को देख करके, दंग रह गए की विद्वता देख करके प्रभुपाद की, और वो समझ गए कि बच्चा भविष्य व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचारक बनेगा, हाँ प्रचार करेगा। इसलिए बोले देखो ये बच्चिया निकालना, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बोले भक्ति युक्त देखी करके ये पत्रिका निकालना, वो उनको बड़े सब दायित्व देकर गए थे। प्रभुपाद तो हताश हो रहे थे, बोले मैं गुरु वर्गों का वाणी का प्रचार प्रसार करे कैसे, मेरे पास में जन बल नहीं, अर्थ बल नहीं, मेरे पास में कुछ भी नहीं। जब उन्होंने बड़े होपलेस हो रहे थे, स्वप्न समाधि में देखा महाप्रभु परिकर को साथ में प्रकट हुए, गुरु वर्गो को उन्होंने दर्शन किया, भक्ति विनोद ठाकुर को, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज सबको उन्होंने दर्शन किया। महाप्रभु बोले ओ तू ये सोच रहे हो तेरे पास में जन बल नहीं, अर्थ बल नहीं, चिंता मत करो, हम तुम्हारे पीछे सबके सब मदद करने के लिए हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, केवल तुम प्रचेष्टा करो, हम सबके सब पीछे भेजेंगे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पहले तो मैं सोचता था मैं अकेला हूँ, लेकिन जब देखा महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, गुरु वर्ग स्वयं कह रहे हैं, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं तुमको प्रचार प्रसार करोगे, हम सबके सब पीछे तैयार। प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में इतने उत्साह आ गया, कदे 100 गुण उत्साह आ गया, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में महाप्रभु और मेरे साथ में सारे गुरु वर्ग है। प्रभुपाद कहते उसको बाद में प्रभुपाद ने बड़े उत्साहित तो होकर के प्रभुपाद ने मेरे प्रचार उन्होंने प्रसार उन्होंने मेरे जगत में प्रचार प्रसार को शुरू किया है। इसलिए कहते ये जो उनका जो निजे जन को पास में प्रभुपाद किस रूप में हुए, बोले वृषभाय नौ सुनो चरा I'm not afraid of the dark.
उदाहरण देकर गुरुदेव ने समझाया। जैसे जब राधा रानी सूर्य कुंड में जाती थी सूर्य पूजा करने के लिए, वो क्या सूर्य पूजा करने जाती थी? नहीं जाती थी। क्यों जाती थी? वो बहाना बनाती थी जटला कुंडला के पास में, मैं सूर्य पूजा करने जा रही हूँ। लेकिन क्यों जाती थी सूर्य पूजा करने? श्री श्याम सुंदर से जो रण बाटी का कद्दर को कोयली बाटी का, वो बाटी का में श्री श्याम सुंदर को साथ में लीला करने के लिए राधा रानी जाती थी। उसी तरह मेरे गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद के बाह्य रूप और एक अंतर रूप है प्रभुपाद की। बाह्य रूप में तो जगत में प्रचार प्रसार और भक्ति सिद्धांत सरस्वती, लेकिन जो अंतर रूप में ना उन्होंने इसलिए क्या प्रभुपाद क्या करते थे, इसलिए प्रभुपाद कहते सुता दई ताम चरम। अंतर रूप में वृषभानु सुता से राधा रानी की, इसलिए कहते तीन भी राधा रानी, एक सहयोगिनी और एक वियोगिनी और एक वृषभानु नंदिनी, तीन भी राधा रानी। लेकिन किसकी? इन्हें प्रभुपाद किसकी? नयनमणि मंजरी श्री वृषभानु राज नंदिनी श्री राधा रानी की ही ये नयनमणि मंजरी है। इसलिए उन्होंने नित्य सिद्ध परिकर को पास में उनको उन्होंने प्रभुपाद इसी रूप में उन्होंने स्थापन किया प्रभुपाद को। इसलिए कहते जो तीसरा कारण जगत में महाप्रभु आने का, अब सुना रहे थे अद्वैत आचार्य जब उन्हें जगत का दुर्दशा को उन्होंने देखा तो उन्होंने घर का जल तुलसी पत्र देकर के उन्होंने महाप्रभु का आभार किया। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सुतिया अच्छे किरा समुद्र सागर निद्रा भंग है और नाड़ा ओंकारे। मैं तो बोलो वृंदावन में सो रहा था लेकिन अद्वैत आचार्य का आह्वान से भरी आसन को उसने हिला दिया। कहते उसी तरह कहते श्री प्रभुपाद जगत में क्यों आए? जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जैव धर्म ग्रंथ आदि महाप्रभु का शिक्षा उनने जो बहुत सारे ग्रंथों को जब भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने प्रकाशित किया, अभी भक्ति विनोद ठाकुर सोच रहे भैया अब ये ग्रंथ क्या होगा, अगर कोई प्रचार प्रसार करने रहेगा तो सब दिमक लग जाएगी ग्रंथों को, भविष्य में प्रचार कौन करेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री विमला देवी को उन्होंने प्रार्थना किया है, हाँ विमला देवी को प्रार्थना किया आप तो श्री जगन्नाथ जी की शक्ति हो, ऐसे एक योग्य संतान को भेजो जो कि ये वाणी महाप्रभु का शुद्ध वाणियों को जो जगत में प्रचार प्रसार कर सके। इसलिए इनकी प्रार्थना से श्री प्रभुपाद जन्म हुए। इसलिए इनका नाम क्या रखा बचपन का नाम? विमला प्रसाद। विमला प्रसाद कहते विमला प्रसाद रखे, कहते जो विमला है ना राधा रानी की बंजर सखी है, कहते उनकी ये कृपा श्री प्रभुपाद है इसलिए विमला प्रसाद आए। ये भक्ति विनोद ठाकुर की आह्वान से ये प्रभुपाद आए। बोले जो महाप्रभु जगत में आने का जो चौथा कारण है कहते राधा या प्रणव महिमा की दृश्यम जिन अद्भुत मधुरिमा मधुर। महाप्रभु जगत में इसलिए आए थे राधा रानी की प्रेम माधुर्य को आस्वादन करने के लिए। तब मेरे गुरुदेव कहते हैं जब वो राधा कुंड श्याम कुंड को बीच में बैठ करके जब प्रभुपाद भजन करते थे, वो भजन करते समय नित्य स्वरूप है राधा कुंड का अपना स्थान गोपियों का स्थान जहाँ राधा रानी लीला विलास के लिए करती हैं, जब प्रभुपाद वहाँ भजन करते थे प्रभुपाद का शरीर में जो दिव्य लक्षण का जो प्रकट होता था अद्भुत अद्भुत उनका अंदर जो सात्वी की विकार दिखता थी कभी ये चीज को सब नहीं पहचान पा रहे थे। प्रभुपाद किस रूप में किस स्वरूप में राधा जी के भाव में विभावित होकर के सेवा के भाव में कुचित कुचित भक्तों को ये चीज को अनुभूति करते थे। इसलिए महाप्रभु जैसे चार कारणों को लेकर के आए प्रभुपाद भी इन्होंने भी चार कारणों को जगत में लेकर के आए। देखो कथा में इतना जानता हूँ प्रभुपाद का बहुत बहुत कथा जानता हूँ, लेकिन हमारे जीत प्रभु जी है संजय प्रभु जी है और हमारे माधव के प्रभु बोलेंगे, लेकिन मेरे पास में तो बहुत बहुत कथा मैं जानता हूँ। इसलिए किसने प्रभुपाद जी से प्रचार कर रहे थे किसने बोल दिया प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे उसको प्रचार का हो जैसे मंदिर हुआ जैसे भक्त लोग यहाँ पर आए तभी तो प्रचार हो रहा है ना मंदिर नहीं होने पर। हाँ इसलिए प्रभुपाद बोले ना मठ मतलब क्या बसंती पठंती जत्र छात्रा। इसलिए गौड़ी मठ का मतलब क्या बसंती पठंती जत्र छात्रा जहाँ पर पारमार्थी की छात्र बैठी करके जहाँ पठंती मतलब जहाँ पर पारमार्थी की जहाँ पर भगवत गीता भागवत विभिन्न ग्रंथ जहाँ पर अध्ययन हो और जहाँ पर भक्त लोग रह करके निवास करें जहाँ पर भक्तों का निवास जहाँ पर नित्यम
भागवत से भैया जाने तब भागवत सेवा हो। किसने कहा प्रभुपाद जी आप गांव गांव में मठ स्थापन करो, गांव गांव में। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, बोले गांव गांव में क्या कहते हैं मठ स्थापन करने के लिए, मैं तो सोच रहा हूँ सभी का हृदय में ही, ये गौड़िया मठ सभी हृदय में ही स्थापन करना चाहता हूँ। ये प्रभुपाद का वाणी है, सबका हृदय को ही मैं मंदिर बनाना चाहता हूँ। जिस समय बागवत जाए गौड़ी मठ स्थापन हुई उसको पर एक बहुत बड़ा लाइट जलता था, बहुत बड़ी दूर तक भी लाइट जाती थी। किसने अगर ऑब्जेक्शन किया, बोले क्यों ये बेकार मंदिर के ऊपर में इतना बड़ा लाइट क्यों बेकार बर्बाद, इलेक्ट्रिसिटी क्यों बर्बाद कर रहे हो, है क्यों बर्बाद, सो बंद करो, इतना बड़ा लाइट लगा दे सारा दुनिया को, बड़ी दूर तक लोग दिखते थे। देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं भैया ये तो लाइट भगवान के मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, जो व्यक्ति ये लाइट देखेगा क्या होगा, उसके हृदय में ठाकुर जी की भावना होगा। प्रभुपाद कहते थे जितने तुम्हारे सब सिनेमा है ना, जो उल्टी सीधी असली असली सबके सब दिखा दे सिनेमा, पहले उसको बंद करो, जिसको जी नर्क जा रहे हैं देख देख करके, हैं नर्क जा रहे हैं संपूर्ण पृथ्वी का। इसलिए प्रभुपाद को एग्जीबिशन करते थे कैसे कैसे लाइट में, हाँ कैसे जल रहे कैसे, और प्रहलाद को हिरण्य कशिपु कैसे फेंक दिया, और प्रहलाद कैसे बीच में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने बोले भैया जब करते थे, किसने बोले भैया इतने इलेक्ट्रिसिटी क्यों बर्बाद कर रहे हो, प्रभुपाद कहते हैं कि जितने सारे इलेक्ट्रिसिटी जब इसी काम नहीं लगे ठाकुर की सेवा में, जो बनाने वाले का तभी उसका जीवन धन्य होगा, उसका जीवन तभी धन्य होगा। जो मंदिर के ऊपर जो लाइट जल रहे हैं वो तो भगवान के धाम तक ले जाएगा, लेकिन जो सिनेमा में इतने सारे लाइट खर्चे कर रहे हो वो तो सीधा नरक का रास्ता साफ कर रहा है, सीधा नरक का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये तो भगवान के लिए मंदिर के ऊपर में लाइट जल रहा है। इसलिए प्रभुपाद की जो वाणी है ना, इसने कहा जो प्रभुपाद ने हर व्यक्ति को घर घर में भेजा, जा जाकर वाणी प्रचार करो। इसने कहा क्यों, क्या जरूरत घर घर में आकर प्रचार करने का। उदाहरण दिया, जब कोई कमल फूल खिलता है वो भौरा स्वयं आकर कमल फूल के ऊपर बैठते हैं, हाँ भौरा बैठते हैं, कमल को भौरा को पास में जाने का जरूरत नहीं। इसलिए आप लोग क्यों घर घर में आकर क्यों प्रचार प्रसार कर रहे हो। देखो क्या उत्तर प्रभुपाद कहते हैं, कहते हैं किसने बोले, तो प्रभुपाद ने कहा भैया कमल का फूल तो खिल गया, लेकिन ये जितने भौरा है ना नाक में रुई बना रुई लगाकर बैठे हुए सब, नाक में सबके से रुई लगाकर बैठे हुए, हम ये रुई को निकाल भी लिया है, ये रुई को ऐसे प्रभुपाद, इसे प्रभुपाद कितनी कथा इतनी कथा मेरे पास में, कितनी कथा जानता हूँ, लेकिन टाइम बहुत हो गया, बहुत समय ले लिया। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे जीत प्रभु और संजय प्रभु माधव प्रभु जी ये लोग भी प्रभुपाद के चरण में पुष्पांजलि देंगे। देखो हम लोग प्रभुपाद का क्या लगते हैं, उनका नाती बाप पोते लगते हैं, क्या लगते हैं गुरु जी, बेटे का बेटे का बेटे, एक परपोता एक पोते और एक परपोता। आप देखना जैसे दादा होता है ना, जितने बेटे में आ सकती उससे ज्यादा पोते में आ सकती, महाराज जी पोते हैं पोते हरे कृष्णा 5163 किसकी कार है, वो ट्रैफिक हो रहा है कृपया करके उसको साइड में कर दे। 5163 51 इसे हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो प्रभुपाद को पोते और परपोते हैं, इसलिए ज्यादा हमारे ऊपर में और प्रभुपाद बैठे बैठे देखते हैं, देखो हमारे पोते और परपोते हमारे कितने सुंदर कथा सुनाते हैं। एक आचार्य अभिमान बताए, वो कह रहे हैं अगर जैसे तुम्हारी बंस में कोई प्राइम मिनिस्टर जैसे मोदी है, अगर तुम्हारी बंस का हो ना, अगर आप कहीं विपद में फंस गए अगर बोल दो तो मोदी क्या लगता है, अरे हमको लगता है जितना बड़े से बड़ी विपत्ति टल जाती है। इसलिए एक आचार्य अभिमान बताया, आचार्य अभिमान मतलब है अगर हमारे धाम कौन है प्रभुपाद के पोते पर पोते हैं, जानते हो हमारे गुरुदेव कौन, भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज, जानते हो उनका गुरुदेव कौन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। अभिमान आ जाए ना, वो कह रहे हैं विश्वनाथ इतना अभिमान आ जाए, बड़ा बात
पा रहे, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान जो इसी धारा में हम सबके सब आए, हम लोग इधर उधर नहीं जाकर धारा में आए, समझो हम लोग बड़े सौभाग्यवान। इसलिए वो हम सबको ऊपर में कृपा करे, उनका एक जीवन किसी तरह से इतना गांठ बांध कर रखो, एक जीवन किसी तरह से जब तिलक लगाते हैं, गला में कंठी धारण करते हैं, भोग लगाते हैं, हरिनाम करते हैं, एक जीवन किसी तरह से इसे बिता दो, प्रभुपाद कहते थे। इसी से हमारी कल्याण होगी, फिर अगले जीवन में हम ब्याज समेत, इसे कहते हैं दीन दीन बढ़त सवार, ये भक्ति कभी घटती नहीं, भक्ति बढ़कर के प्रकट होती है। हम सबको बढ़ना आशीर्वाद करे, जैसे किसी तरह से एक जीवन गुरु वैष्णव की अनुगत में हम अपना जीवन को बिता सके। बोले बादशाह करो उधर वैसा कृपा से हरे कृष्णा। वैसे तो आप लोग ये बात सुन सुनकर अभ्यस्त हो गए हो, किंतु हमें भी कहने की आदत है कि आज बड़ी विशेष तिथि है, आप लोग विवाह इत्यादि में जाते हैं, बड़ा समय लगा देते हैं, रात्रि अधिक हो जाती है, हमें भी पता ये बात कहते कहते आप बहुत बार सुन चुके, आपको भी पता यही कहेगा और क्या कहेगा। फिर भी हमारा निवेदन है, इतनी अच्छी अच्छी कथा महाराज जी ने बताई और अभी उसका एक अंश सुना है, फिर प्रार्थना करेंगे महाराज जी आकर सुनाए, तो आज एक दिन के लिए थोड़ा कष्ट उठा लीजिए, समय की सीमा का उल्लंघन कर दें, थोड़ी देर के लिए आप लोग और धैर्य धारण कर लीजिए। भक्तों ने बड़े सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भी की है, इसमें कार्यक्रम को संपूर्ण करके प्रसाद पा करके जाइएगा, मूंग दाल के हलवा बनिए और क्या तंदूरी रोटी और पनीर सब ये पलाव, ये सब प्रकाश्य है, कुछ अप्रकाश्य भी बना, वो आपको उत्साह बढ़ाने के लिए हम बता दिए, महाराज जी ने कुछ उत्साह बढ़ाने के लिए बता दिया, इसमें थोड़ा समय आज समय की सीमा तो हो चली है, किंतु उल्लंघन करके आज प्रभुपाद जी के लिए थोड़ा समय अर्पण कीजिए। अभी हमारे श्रीपाद जी प्रभु जी आप लोगों को कुछ बतलाएंगे, धैर्य पूर्वक सुनिएगा हमारी प्रार्थना, आज एक दिन के लिए प्रभुपाद जी के लिए हमारे लिए थोड़ा सा कष्ट उठा दीजिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे शिष्यमद्भक्तिप्रज्ञां केशवेति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवासुभानवी देवी दयिताय कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायने प्रभु बिना माधुर्य उज्जवल प्रेम के श्री रूपानुग भक्ति दा श्री गौर करुणा सत्य विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ते दीन तारिणे रूपानुग वृद्धक्ष दंत दंत हरिणे पंचाकल्पतरुभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैं सबसे पहले अपने गुरु पाद पद्म नीतलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नीतलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। गुरुपाद जी इस सभी आश्रित भक्तजनों का आश्रय लेते हुए मैं कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु जी के भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी, वैष्णव लोग, वैष्णवी, जितने भी लोग भक्त लोग रूपा जी की महिमा सुनने के लिए एकत्रित हुए, सभी के चरणों में यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। अभी हम लोग आज सुबह से ही, अभी से नहीं, सुबह से ही गोपाल जी की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। वृंदावन में हो, मथुरा में हो, या नवदीप धाम में हो, या देश में विदेश में जहां पर भी हो, आज सुबह से ही गोपाल जी का गुणगान हो रहा है। और फरीदाबाद में तो बहुत समय से ही करुणा में प्रभुपाद नित्य रामकृष्ण भक्ति वेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज जी का एक आर्टिकल है जो पूज्यपाद माधव प्रभु जी कर रहे हैं। ये प्रभुपाद कौन है? वो करुणा के विघ्न हैं।
जैसे कि उनके प्रणाम मंत्र में बताया और उनके महिमा को एक दिन में क्या परम गुरु जी कहते हैं एक एक उपदेश कृपा जी का एक एक उपदेश को पालन करने के लिए और समझने के लिए अनंत काल जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो आज के दिन सिर्फ उनके स्पर्श करके उनको स्मरण करने से उनकी महिमा उनका जो जीवन चरित्र है उसको स्मरण करो वही उनकी महिमा है। तो त्रिपूज्य त्रिको क्या कहते हैं उनको क्या बोलते थे करुणा में प्रभुपाद एक आर्टिकल है बहुत यहाँ पूरा भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी क्या है करुणा के विग्रह है और गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते चेतन महाप्रभु क्या दया के सागर है और उनकी दया अगर किसी को देखनी है क्या है गौर करुणा शक्ति विग्रहाय। गौर करुणा शक्ति कौन है जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी राधा जी की भी कृपा की मूर्ति है चेतन महाप्रभु की कृपा की मूर्ति है यही महाप्रभु की सबसे बड़ी दया है। और हमारे पूज्य पाद भक्तिवेदांत त्रिकम गोस्वामी महाराज कह रहे करुणा में प्रभुपाद उनका जगत में आना भी करुणा है उनका जगत में रहना भी करुणा है और उनका जगत से जाना भी करुणा है। करुणा के अलावा जैसे क्या होता है जिस वस्तु जो कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति जैसे क्या है गुरुवर क्या होते हैं आनंद की मूर्ति है करुणा की मूर्ति है उनकी हर वस्तु में करुणा ही निकलती है। तो बहुत सुंदर उनकी महिमा सिर्फ ये नहीं उनके जितने भी आज महाराज जी बता रहे थे ना कृपा जी का दर्शन कैसे कर सकते हैं कुछ मेरे को स्मरण हो रहा है आज कृपा जी की तिथि पे हम मायापुर धाम में जाते थे वहां पर कृपा जी की समाधि पीठ आता था जहां पर कृपा जी ने समाधि वहां पर मौन धारण किया वहां पर गुरुदेव हमारे आते थे और गुरुदेव हमें डेढ़ डेढ़ घंटे पर कृपा जी की महिमा का वहां गान करते थे। कभी कभी अपने गुरुदेव हमारे परम गुरुदेव का स्मरण करके भाव विभोर हो जाते थे जो परम गुरुदेव कृपा जी की महिमा का गान करते प्रभु पाद भी नहीं बोल पाते थे प्रभु कह के वहां पर उनका गला अवरुद्ध हो जाता था। क्यों क्योंकि उन्होंने साक्षात क्या है सेवा उन्मुख शरणागत किंकर कल्पतरु तरुधिकृत धीर वदान्यवर जो कृपा जी के शरणागत हुए हैं जिन्होंने कुछ सेवा किया है और सेवा अनुभव के द्वारा कृपा जी कृपा का उन्होंने अनुभव किया है उनकी जो बोलना है उनका कुछ और ही। तो गुरुदेव ये महिमा करते करते कभी कभी बताते थे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ने जगत में दो अनमोल रत्न हमें प्रदान किए एक क्या है मायापुर धाम चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान को प्रकाशित किया और दूसरा इस जगत में कृपाद को इस जगत में लेकर आए। अगर कृपाद जगत में नहीं आते तो भक्ति विनोद ठाकुर के ग्रंथ उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ बंगला में लिखे संस्कृत में लिखे और इंग्लिश में भी लिखे उर्दू में उन्होंने ग्रंथों को लिखा वो ग्रंथ आज रखे रह जाते। कौन जानता मायापुर धाम को ये जगत गुरु कृपाद जी की कृपा है जो आज इस्कॉन हो गौड़े मठ हो जितने भी तिलक लगा रहे हैं थोड़ा बहुत माला भी कर पा रहे हैं कृपाल जी की कृपा है। इसलिए परम गुरु जी अपनी आरती में कहते हैं सर्वत्र प्रचार दूत सौरभ मनोहर बद मुक्त अलिकुल मुक्त चराचर जगत में कौन ऐसा नहीं है जहां पर कृपा जी करुणा गई नहीं कोई कौन सा देश ऐसा नहीं स्थान स्थान कथमट स्थापित था जिसको कृपा जी ने अपनी करुणा को कहां कहां भेजा बता रहे थे ना भी जीव मोह निद्रागत जगत एक वैकुंठ दूत गौड़िय पठाओ घरे घरे उनकी करुणा एक एक गांव में एक एक स्थान में सब जगह उन्होंने क्या किया जो महाप्रभु की जो धारा थी जो भक्ति विनोद धारा थी और जो महाप्रभु जिस चीज को लेकर आए थे उन्होंने क्या किया पहले मासिक पत्रिका को प्रारंभ किया फिर पाक्षिक पत्रिका पंद्रह दिन वाली फिर साप्ताहिक फिर रोज पत्रिका को उन्होंने प्रकाशित किया और सब जगह उन्होंने क्या किया सारे जगत को मुग्ध कर दिया सब उनकी करुणा से प्रभावित हुए और जिन्होंने उनको अनुभव किया है कृपा जी क्या वस्तु देने लगे एकदम महाप्रभु का प्रेम जो राधा कृष्ण के चरणों का प्रेम देने के लिए ये मेघावृत गौड़ी गगन को जब जिस समय कृपा जी आए थे उस समय क्या होता सब समय अंधकार था आउल बाउल करता नेड़ा इतनी सारे मायावाद और बहुत सारे कृपा जी ने क्या किया भक्ति विनोद धारा को लेकर आए और उसको गौड़े गगन को सर्पु सिद्धांत अप सिद्धांत मायावाद सारे सिद्धांतों को दूर कर उन्होंने हमारे निर्मल पथ बनाया भगवान के जाने के लिए। तो उनकी इतनी कृपा है अगर हम एक शब्द के
या मैं अब पढ़ रहा था हमारे मित्र जैसे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का आर्टिकल है क्या है प्रभुपाद जी का स्मरण के लिए प्रभुपाद जी का विरह मंगल को पढ़ रहे थे नित्यदेव भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के आर्टिकल को हम पढ़ रहे थे उन्होंने जो प्रभुपाद को अनुभव किया है सोच भी सकते प्रभुपाद जी क्या है और जगत गुरु प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि होती थी आविर्भाव तिथि पर वो प्रभुपाद जी हमेशा लेक्चर देते थे पहले क्या उनके आश्रम से महिमा बोलते थे एक समय क्या हुआ प्रभुपाद जी की जो पहली व्यास पूजा थी उस समय सब प्रभुपाद जी का स्मरण कर रहे प्रभुपाद जी जगत में क्या कर वर्ण धन आश्रम की स्थापना की प्रभुपाद जी जगत में नाम संकीर्तन को लेकर आए प्रभुपाद जी जगत में महाप्रभु की करुणा को लेकर आए कभी कोई कुछ बोल रहे कोई कुछ बोल रहे प्रभुपाद जी सुन रहे एकदम मौन धारण करके एकदम मौन धारण करके जब सब लोग बोल लिए तो प्रभुपाद जी अंतिम समय में बोलेंगे और प्रभुपाद जी को जो माइक दिया गया तो प्रभुपाद जी बोले वंदना उन्होंने की और वंदना करके उन्होंने स्तुति की जगाई मदाई ऐसे मुझ से पापिश पुरुषेर कीट ऐसे मुई से लगिष्ट जैसे महाराज जी बताते मोर नाम ले जी तारे पापे बोले कि हमारे जो गोस्वामी हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उन्होंने अपना परिचय इस रूप में दिया है और मैं उसी परंपरा में आया और मैं यहाँ पर बैठकर इतने ऊंचे आसन पर बैठकर और अपनी महिमा को सुन रहा हूँ तो मैं ऐसे क्यों बैठ गया इसका मेरे को स्पष्टीकरण देना आवश्यक है तब उन्होंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ मैंने कोई गुरु का कार्य नहीं किया मैं अपने गुरु परंपरा की आमार आज्ञा गुरु अय्या तारो ये देश मेरे गुरुदेव ने कहा है आमार आज्ञा गुरु अय्या मेरी आज्ञा तुम इस आसन पर बैठो व्यास आसन पर और मैं उनके ही आसन पर बैठ गया और मैं तो शिष्य का ही काम कर रहा हूँ और मैं आज सीखा कि गुरु की महिमा कैसे गान होती है जितने भी भक्त लोग ये जब सब मेरे गुरुजन है मेरे पे कृपा करने के लिए और मेरे को गुरु सेवा की शिक्षा देने के लिए यहाँ पर विराजमान हुए जो भी ये कथा सुन रहे थे सबके आंखों में आंसू थे गुरुपा जी क्या बोलने जा रहे हैं कि ये सब मेरे कौन है गुरु वर्ग है कि मेरे को मैं भी अपने गुरु की महिमा इस रूप में ही करूंगा और मैं तो हमेशा शिष्य के काम कर रहा हूँ गुरुदेव ने शासन में बैठा है मेरे को माला पहना हो मैं बोल रहा हूँ तो उनकी कृपा से मैं हमेशा शिष्य का काम कर रहा हूँ ऐसे बहुत सारी व्यास पूजाओं में गुरुपा जी के लेक्चर है और उनके आश्रित जनों के भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी है भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी बहुत सारे आर्टिकल है भक्ति वेदांत स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी की करुणा के लिए 10 अष्टकों में उन्होंने महिमा लिखा है प्रभुपाद जी क्या ले जाए जैसे बता रहे थे महाराज जी अद्वैत आचार्य महाप्रभु जगत में लेकर आए तो प्रभुपाद जी ने जगत में क्या क्या वस्तु को दिया बहुत सुंदर और बम्बई में प्रभुपाद स्वामी महाराज का एक लेक्चर है बहुत सुंदर वो है तो ये सब महिमा है उनकी अभी हम लोग क्या है उसको स्पष्ट करना था दूर मैं तो अपने लिए समझता हूँ प्रभुपाद जी का एक उपदेश जो कि वो कहते थे एक एक उपदेश है 670 उन्होंने प्रश्न किए बहुत सारे उपदेश दिए अगर एक उपदेश भी उनका पालन हो जाए तो मैं अपने जीवन को सफल बताता हूँ उन्होंने मुख्य उपदेश जो किया है पर स्वार्थ की निंदा नहीं करनी चाहिए आत्म संशोधन करना ही मेरा उपदेश है अब इसके उन्होंने 2-3 प्रकार के उदाहरण दिए जो कि समय नहीं है मैं बस उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कृपा जी कभी उनके आश्रित जन विशेष गुरुपाद पद की कृपा हो कृपा जी कोई उपदेश हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए और हम उसको अपनाए तो हमें अपना ले बस यही कृपा जी के चरणों में प्रार्थना प्रभु जी यदि आ जाए और कुछ 2-4 शब्द कुछ बता दे तो कार्यक्रम पूर्णता को प्राप्त करे श्रीपाद माधव प्रिया प्रभु जी से निवेदन है प्रभु जी आ जाइए और कुछ 2-4 शब्द समय अनुसार कुछ कह दे मैं बोल दूंगा बोल आपके 5 मिनट आ जाए आज भक्त लोग धैर्य धारण करके बैठे हैं आज कह रहे हैं हम मिलेंगे नहीं जब तक आप समाप्त नहीं करोगे थोड़े समय के लिए यदि आ जाए 5 मिनट के लिए कुछ कह दे आप तो अल्प में ही बहु कहने वाले हैं कृपा पूर्वक 5 मिनट के लिए पधारिए आपसे हमारा विनती है
अभी हम लोगों ने हमारे पूज्यपाद महाराज जी के श्रीमुख से और विभिन्न भक्तों के श्रीमुख से श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की अपराकृत महिमा को श्रवण किया। बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है, बहुत सारे विभिन्न दृष्टिकोणों से हम लोगों ने उनकी महिमा को सुना। मैं बस दो एक बात कहकर ये ब्रह्मचारी लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं पीछे से कि दो एक बात कहते हैं और जितना कहना उतना ही कह देते हैं। तो दो एक की बात अभी कुछ कहने की इच्छा, आज तो बड़ा उत्साह उमंग का दिन है, बहुत सारी बातें मन में स्मरण हुई प्रभुपाद जी की महिमा। कई बात शब्द शोर करते बोलो शोर नहीं करो। प्रभुपाद जी की महिमा हम लोगों ने सुनी। हमारे परम गुरु महाराज जी, जैसा कि दत्तल्य भी हम लोगों ने सुना कि श्रीमती राधिका कृष्ण जो हैं वो सर्वाकर्षक हैं, सबका आकर्षण करने वाले हैं, नारायण का लक्ष्मी का भी आकर्षण करते हैं, उन कृष्ण को भी श्रीमती राधिका आकर्षित कर लेती हैं। यही राधा जी की अद्भुत महिमा वैशिष्ट्य है। तो हम लोग सुन रहे थे हमारे गुरु महाराज जी, उनका अद्भुत एक आकर्षण था, अद्भुत उनका व्यक्तित्व था और कितने लाखों लाखों जीवों को उन्होंने अपनी हरि कथा अपने मृदु व्यवहार से उन्होंने आकर्षित किया। और गुरु महाराज जी को भी श्री वामन गोस्वामी महाराज जी, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी, ऐसे महापुरुषों को परम गुरु जी ने आकर्षण किया, उनकी क्या महिमा होगी। और परम गुरु जी जैसे असंख्य महापुरुषों को श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने आकर्षण किया, इससे ही हम कुछ उनकी महिमा को स्पर्श कर सकते हैं। जो भी हो, कहने के लिए तो ये ऐसा विषय है, एक तो समय का अभाव, ऊपर से योग्यता का अभाव और ऊपर से विषय ऐसा दे दिया कि समय का अभाव और योग्यता का अभाव होने पर भी, जिसको कहते हैं फेवरेट टॉपिक्स, तो ये तो हमारे फेवरेट टॉपिक्स हैं। श्रीला प्रभुपाद जी की शिक्षा, उनका आदर्श चरित्र, जिसको कहने और सुनने के लिए मन में बड़ा उल्लास होता है, बड़ा अधिक उल्लास। हमारे परम गुरु महाराज जी ने आज प्रभुपाद जी की व्यास पूजा है, आज उनका शुभ आविर्भाव दिवस। परम गुरु जी बड़े धुरंधर वेदांतिक थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, थोड़ा सा तत्व को सुन लीजिए दो एक मिनट में बस। परम गुरु जी कहते हैं वेदांत का एक सूत्र है, इक्षते ना शब्दम, वेदांत का एक सूत्र है इक्षते ना शब्दम। अब सुनना परम गुरु जी क्या विचार बता रहे थे। वो कहते हैं प्राकृत विचार से हमारी धारणा क्या है कि शब्द, शब्द का कोई आकार नहीं है, हम जो अपने मुख से शब्द उच्चारण करते हैं उन शब्दों का कोई आकार नहीं है, ऐसा ही विचार है। तो प्राकृत विचार से हमारी धारणा है शब्द का कोई आकार नहीं है, शब्द का कोई आकार भी हो सकता है ये हमारी धारणा से परे है, शब्द कोई आकार ले सकता है ये हमारी धारणा से परे है। किंतु परम गुरु जी कहते श्री वेद व्यास जी अप्राकृत शब्दवादी थे, उन्होंने वेदांत में लिखा इक्षतेर ना शब्दम, नहीं शब्द भी विग्रह धारण करता है, शब्द भी विग्रह धारण करता है। इक्षते, इक्षते का अर्थ क्या है, शब्द को भी, शब्द का भी दर्शन किया जा सकता है। तो इसका अर्थ क्या है, शब्द यदि विग्रह धारण करेंगे तभी तो शब्द का दर्शन होगा। तो परम गुरु जी कहते हैं वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र में जो ये कहा इक्षतेर ना शब्दम, शब्द भी दर्शन के योग्य है, शब्द का भी दर्शन किया जा सकता है। वो शब्द कौन है, वो अपराकृत वैकुंठ का शब्द है। वो वैकुंठ का शब्द जब मूर्तिमान स्वरूप धारण करता है तो वो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। इसलिए शब्द भी विग्रह धारण करने की योग्यता रखते हैं, शब्द का भी हम दर्शन कर सकते हैं। वो शब्द कौन है, वो साक्षात शुद्धा सरस्वती स्वरूप श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर है। उनके स्वरूप के बहुत सारे पक्ष है, एक पक्ष यह भी है कि वो श्री वाष्पानवी दैत्य दास है, वो श्रीमती राधिका की नयन मणि मंजरी हैं। श्रीमती राधिका अपने नेत्रों से कृष्ण के जिस रूप का दर्शन करती हैं, वो नेत्र कौन हैं? वो नेत्र साक्षात श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर हैं। तो श्रीला सरस्वती ठाकुर की क्या सेवा है, अपने मंजरी स्वरूप में श्रीला सरस्वती ठाकुर की क्या सेवा है, वो श्रीमती राधिका को
कृष्ण के माधुर्य का दर्शन कराते हैं। कितनी अद्भुत सेवा है, कितनी अद्भुत सेवा। वो श्रीमती राधिका को कृष्ण के माधुर्य का दर्शन कराते हैं, ये श्री प्रभुपाद जी की सेवा है। ये उनका एक मधुर स्वरूप है, उनका एक स्वरूप है जिसको हमने सुना अभी। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जिसकी उपाधि क्या है, अब सिद्धांत ध्वांत हारिणे। इसलिए प्रभुपाद जी का ये बड़ा अद्भुत जीवन का वैशिष्ट था। यदि प्रभुपाद जी जगत में नहीं होते तो हमारे गुरु महाराज जी कहते शुद्ध भक्ति की धारा लुप्त प्राय हो चली थी, लुप्त प्राय। किंतु श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने श्रीमद भक्ति विनोद ठाकुर जी की इच्छा से जगत में आविर्भूत होकर उस लुप्त प्राय भक्ति गंगा को केवल पुनर्जीवित नहीं किया, उसको इतनी सुदृढ़, उन्होंने इतना सुदृढ़, इतना विशाल वेग प्रदान किया जिसकी महिमा हम लोग आज तक दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभुपाद जी, जैसे नित्यानंद प्रभु जी उनके विषय में कहा ना, एलो गौर रस नदी कादंबिनी है, भाषा इलो गौर देशे प्रेम भक्ति दिए। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात क्या लेकर आए, एलो गौर रस नदी, और उसमें नित्यानंद प्रभु कौन है, नित्यानंद राय काहे मारुत सहाय, जहां नहीं प्रेम विष्टि तहां नहीं जाए। जिस दिशा में महाप्रभु जी की वो प्रेम की जो गंगा है वो नहीं बह रही, उसको नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, मारुत सहाय, मारुत अर्थात वायु, वायु का बड़ा तीव्र वेग, नित्यानंद प्रभु जी उस धारा को वहां भी ले जा रहे हैं। वही श्री सरस्वती ठाकुर जी का वैशिष्ट है। जिन पाश्चात्य देशों ने कभी कृष्ण नाम नाम श्रवण तक नहीं किया था, उन पाश्चात्य देशों में भी श्री प्रभुपाद जी उस भक्ति गंगा के तीव्र प्रभाव को, तीव्र वेग को लेकर के गए। और ये विशेष उनका वैशिष्ट है, विशेष वैशिष्ट है कि श्री प्रभुपाद जी ने श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत, कुछ लोग प्रभु जी बता रहे हैं कि कुछ लोग दूर मेट्रो से आए हैं, प्रसाद ऊपर में आरंभ हो गया है, जिनको जाना है वो उनसे प्रार्थना, आज प्रभुपाद जी की तिथि है, प्रभुपाद जी का महा प्रसाद अवश्य लेकर के जाइएगा, भक्तों ने व्यवस्था कर दी है, हम भी बस अभी शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। अब मुझे भी हंसी आ जाती है इस बात पर अपने ऊपर, किंतु प्रसंग की ऐसा जीवा रुकने का नाम नहीं लेती है, ये मेरे अधिकार में नहीं है, ऐसा कहकर अपनी बात कहने का मैं प्रश्न ले लेता हूँ। तो बड़ी अच्छी बात हम सुन रहे थे, जिस दिशा में पाश्चात्य देशों में जिन्होंने कभी राम कृष्ण का नाम भी नहीं सुना, वहां भी प्रभुपाद जी इस भक्ति गंगा को, इस शुद्ध भक्ति की मंदाकिनी की धारा को लेकर गए। उनका बड़ा अद्भुत वैशिष्ट है, बड़ा अद्भुत वैशिष्ट है। श्री प्रभुपाद जी यदि जगत में नहीं आते, हमारे परम गुरु जी एक अद्भुत उनके विषय में विचार बताते, अद्भुत विचार। वो कहते हैं प्रभुपाद जी के विचारों में एक मौलिकत्व है, इस शब्द को तरीक समझना, कुछ बुद्धि पर बल देना। प्रभुपाद जी के विचार क्या है, उनमें एक मौलिकत्व है। मौलिक शब्द समझते हैं, मौलिक शब्द का अर्थ है, हमारे परम गुरु जी अद्भुत दार्शनिक थे, वो विचार बताते, मौलिक शब्द का अर्थ है मूल के साथ में संबंध रखने वाला होकर भी संपूर्ण रूप में अभिनव, अभिनव अर्थात नवीन, कुछ नया, समझ में आई बात। मौलिक का अर्थ है मूल के साथ में संबंध रखने वाला होकर भी अत्यंत अभिनव, कुछ नवीन, जो कभी सुनाई नहीं गया हो। तो प्रभुपाद जी का विचार क्या है, उनके विचार में अत्यंत मौलिकत्व है। वो समस्त पूर्वाचार्यों के विचारों को क्रोड़ीभूत करके भी प्रभुपाद जी के विचारों का मौलिकत्व संरक्षित है, समझ में आई बात। ये परम गुरु जी की भाषा कुछ दार्शनिक है, किंतु मन दोगे कान दोगे बहुत देर से दे रखा है, किंतु और दो चार क्षण दोगे तो विषय स्पष्ट होगा। बड़ा अद्भुत दार्शनिक विचार है, इनको सुनना चाहिए तभी महिमा आएगी। ये सब सिद्धांत जो है, इनको सुनने से ही महिमा हृदय में सुदृढ़ होती है उनके प्रति। तो परम गुरु जी कहते हैं मौलिकत्व है उनके विचारों में। क्या मौलिकत्व है, अब इसकी व्याख्या बड़ी विस्तृत है, एक विचार मैं बता रहा हूँ। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्रद्धा शब्द की व्याख्या दी है। श्रद्धा शब्द विश्वास, कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहे सर्व कर्म कृत्वा। अब यदि प्रभुपाद जी की श्रद्धा के विषय में व्याख्या सुनेंगे आश्चर्य में पड़ जाएंगे। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रद्धा का अर्थ क्या है, फुल कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव, ये श्रद्धा है। अरे कृष्ण तक तो कब पहुंचोगे, कविराज गोस्वामी जी ने तो सुपरलेटिव डिग्री बताई है, वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो श्री सरस्वती ठाकुर ने बताया, फुल कॉन्फिडेंस
इन द वर्ड्स ऑफ श्री गुरुदेव, श्री गुरु के वचनों में हमारा संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो हम कृष्ण तक किसी जन्म में नहीं पहुंच सकते। ये मौलिक तत्व है प्रभुपाद जी के विचारों का। जैसे गुरु जी कहते थे, श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा दी, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यना प्रथम आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। तो हमारे गुरु जी कहते थे ये भक्ति की परिपूर्ण व्याख्या है, परिपूर्ण व्याख्या। इससे पहले भी भक्ति की व्याख्या थी, इससे पहले भी विभिन्न शास्त्रों में, नारद पंचरात इत्यादि में, साचा परा शांडिल्य सूत्र में, साचा परानुरक्ति ईश्वरे, ईश्वर के प्रति परानुरक्ति, इसको भक्ति कहा गया। किंतु ईश्वर किसको कहा गया ये स्पष्ट नहीं है। ऋषिकेण सेवनम भक्ति उच्चते, इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय पति की सेवा, ये भक्ति है, इसमें भी स्पष्टता नहीं है। किंतु श्री रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की जो परिभाषा दी, पहले दो प्रत्येक श्लोक में चार चरण होते हैं, प्रथम दो चरणों में उन्होंने निषेध मूलक वचन कह दिया, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माते नाम प्रथम, और अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, अनुकूल रूप से कृष्ण का अनुशीलन भक्ति है, ये भक्ति की परिपूर्ण व्याख्या है। ऐसे ही प्रभुपाद जी का एक एक विचार परम गुरु जी कहते वेद वेदांत उपनिषद की संपूर्ण शिक्षा स्वरूप है। उन्होंने श्री गुरु का आश्रय किया। कैसा बाबा जी महाराज का आदर्श है, हमारे गुरु जी कहते थे, प्रभुपाद जी के मन का विचार था, कनक कामनी प्रतिष्ठा की बात छोड़ दीजिए, कनक कामनी की बात छोड़ दीजिए, जिनको प्रतिष्ठा से भी वैराग्य है मैं उनके चरणों का आश्रय करूंगा। और बाबा जी का आदर्श कैसा है, हमने घटना सुनी उनके विषय में, बार बार सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया, अपने आप को शौचालय में बंद कर दिया। सुनते थे घटना, किंतु गुरु जी इसमें क्या विचार बताते कि बाबा जी के वैराग्य की पराकाष्ठा सोचो कितनी है, उनको जगत के विषय जो है उनमें अधिक दुर्गंध आ रही है, शौचालय में दुर्गंध नहीं आ रही। हम ठहर सकते हैं शौचालय में एक क्षण दो क्षण के लिए भी, शौचालय कौन शौचालय में रहने की इच्छा करेगा। किंतु बाबा जी महाराज के वैराग्य की पराकाष्ठा देखिए, उनको संसार के जो विषय है उनकी दुर्गंध के सामने शौचालय की दुर्गंध कुछ भी नहीं लग रही। ऐसा प्रभुपाद जी ने ऐसे महापुरुष का आश्रय किया, और उनका विचार क्या था देखिए, शिवजी जी ने कहा पार्वती जी से, वो एक श्लोक सुनते ना हम, दुर्लभम सतगुरु देवी शिष्य संतान बहार का, है ना, ये गुरुवो भावा संति शिष्य विता बहार का, ये सब जो सतगुरु की जो व्याख्या सुनते हैं। प्रभुपाद जी का क्या विचार था, उनका विचार सुनाया हमारे गुरु महाराज जी बता रहे। प्रभुपाद जी ने गुरु के विषय में क्या शब्द कहे, ऐसे अद्भुत अद्भुत वो विचार कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जो शिष्य के निकट में, और शिष्य भी किसको कहते हैं, रूपा जी कहते हैं जो शिष्य के निकट से जो गुरु को एक पैसा भी देना बाकी रखता है वो शिष्य नहीं है, जो गुरु को एक पैसा देना भी बाकी रखता है वो शिष्य नहीं है, और जो शिष्य से एक पैसा ग्रहण करता है वो गुरु नहीं है, जो शिष्य से एक पैसा ग्रहण करता है वो गुरु नहीं है। ये उनकी अद्भुत विचार, उनकी अद्भुत व्याख्या थी। हमारे शास्त्रों में महावाक्य, महावाक्य सुनते एक शब्द आया, समस्त वेदों का जो महावाक्य है वो क्या है, जिसको प्रणव कहा गया, प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान। सुना इस भक्ति संप्रदाय का क्या आदर्श बताया, इस गौड़ीय मठ का जिसकी संस्थापना प्रभुपाद जी ने की है, इस गौड़ीय मठ का महावाक्य क्या है, महावाक्य अर्थात मूल मंत्र, बीज मंत्र, समस्त वेदों का मूल मंत्र, बीज मंत्र, जिसको प्रणव कहते हैं, जहां से समस्त वेद निकले वो क्या है, वो है ओम। प्रणव से महावाक्य, ये बच्चे इतना शोर करते हैं लोग, दो एक मिनट जाकर, प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ये ओम जो है वो महावाक्य समस्त वेदों का। शंकराचार्य जी ने महावाक्य क्या बतलाया, अहम ब्रह्मास्मि। शंकराचार्य जी ने अपने विचार का, अपनी जो फिलोसफी है उसका महावाक्य क्या बतलाया, अहम ब्रह्मास्मि। प्रभुपाद जी ने इस गौड़ीय मठ का जो महावाक्य बतलाया वो क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं गौड़ीय मठ का महावाक्य तृणादपि सुनिष्ठा, और उन्होंने इतने सुंदर हृदय स्पर्शी विचार बतलाए। प्रभुपाद जी कहते हैं तृणादपि सुनिष्ठा रूपी महावाक्य का आश्रय ग्रहण करके हम चतुर्दश ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे और सबसे नीचे समस्त विषयों से दूर होकर के हम अपने नित्य धर्म के स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं। समझ में आई बात, यदि कुछ कठिन है, यदि हम इसे एक महावाक्य का आश्रय कर लेना तृणादपि सुनिष्ठा, तो चतुर्दश ब्रह्मांड का सबसे उन्नत पद क्या है, ब्रह्मा जी की पदवी, हमारा उसके प्रति भी अनुराग नहीं होगा, और सबसे निम्न पद जो है उसके प्रति भी हमारा अनुराग नहीं होगा, और हम
इस महावाक्य का आश्रय करके अपने नित्य स्वरूप की उपलब्धि कर सकते हैं, ऐसा विचार लेकर के प्रभुपाद जी जगत में आए। इसलिए उनको कहा गया शुद्धा सरस्वती स्वरूप। कैसा उनका आदर्श था? प्रभुपाद जी कहते बहु शिष्य करना उचित नहीं है, बहु शिष्य करना उचित नहीं। मैंने कभी किसी को शिष्य नहीं किया, मैं सबके निकट शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैंने कदापि किसी को शिष्य नहीं किया। इस कोटि के प्रभुपाद जी गुरु थे, उनका शिष्यों के प्रति भी क्या था, वो गुरु बुद्धि रूपी विचार रखते थे। ये सब क्या है, ये मेरे शिक्षा दाता है, ये सब क्या है, मुझको शिक्षा देने वाले हैं, ऐसा विचारधारा प्रभुपाद जी लेकर के आए। इसलिए कितनी प्रभुपाद जी की महिमा कहें, ये तो ऐसा विषय है जिसकी हमको सारा जीवन एक एक क्षण में चर्चा करनी चाहिए। साधन किसको कहते हैं, सर्वोत्तम साधन प्रभुपाद जी ने बताया। वो कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, ऐसा विचार कहीं सुनने को मिलेगा, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने द्वादश 12 वर्षों तक गंभीरा मंदिर में श्रीमती राधिका के जिन अद्भुत विप्रलंब भावों का आस्वादन किया, उन भावों का, उन विरहमय विप्रलंब भावों का अनुशीलन क्या है, वो जीव के पक्ष में सर्वोत्तम साधन है। ये विरहमय भजन को प्रभुपाद जी ने सर्वोत्तम साधन बताया। इसीलिए परम गुरु जी ने ये राधा विनोद बिहारी की स्थापना की। ये राधा विनोद बिहारी जी कौन है, कृष्ण जिन श्रीमती राधिका के, राधा जी कृष्ण के विरह में व्याकुल हो, श्री कृष्ण विरहे राधिकार दशा आमी तो सही तेरा लिए, भक्तिनाथ ठाकुर जी का विचार है। कृष्ण राधा जी के विरह में व्याकुल हो, उस विरह का गौड़ीय वैष्णव आस्वादन करते, इसलिए परम गुरु जी ने राधा विनोद बिहारी की स्थापना की। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे, ये जीवों का क्या है, ये विप्रलंब जो भजन है ये जीवों के पक्ष में सर्वोत्तम साधन है। साध्य वस्तु क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की शिक्षा है, आराध्य भगवान ब्रजेश कन्या। ये आराध्य शब्द का अर्थ क्या है, आराध्य शब्द का अर्थ क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यानो यत्रहा। इस श्लोक में समस्त गोपियों को छोड़ करके कृष्ण ने श्रीमती राधिका जी की जिस प्रकार से आराधना की है, उन श्रीमती राधिका की आराधना करना ये क्या है, ये सर्वोत्तम साध्य वस्तु है। इसलिए प्रभुपाद जी के विषय में हमारे गुरु जी कहते थे गिवर ऑफ माधुर्य रस। यदि प्रभुपाद जी ये मधुर रस नहीं देते तो गुरु जी कहते थे हम कहां से पाते, हम कहां से जगत में उसको देते। तो इसलिए प्रभुपाद जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। परम गुरु जी ने जो ये शब्द कहा है ना, एक वचन कहा है, उनका एक एक उपदेश एक एक वेद के समान है। एक एक उपदेश की चर्चा में एक दीर्घ जीवन व्यतीत हो सकता है। ऐसे ही वो शुद्धा सरस्वती नहीं है, प्रभुपाद जी वैकुंठ वार्ता को लेकर के जगत में आए, ऐसे ही प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य नहीं है, बहुत उनकी अद्भुत अद्भुत महिमा है। हमारी तो श्री गुरु चरणों में ही प्रार्थना है, गुरु महाराज जी की दया से उनकी कृपा से ही हम कुछ उनके मुख से, उनके मुख श्री मुख कमल से सुने हुए शब्दों की हम कुछ चर्चा कर रहे हैं। श्री गुरु चरणों में ही हमारी समस्त आशा समस्त भरोसा है। गुरु महाराज जी हम पर दया करें कि गुरु जी की इस धारा में, प्रभुपाद जी की उस धारा को हमारे गुरु महाराज जी ने जिस प्रकार से संरक्षित किया है, उस विषय पर भी बड़ी दीर्घ चर्चा होनी चाहिए, बड़ी दीर्घ चर्चा। प्रभुपाद जी का जो मन का जो भावना थी, जो प्रभुपाद जी का मनोभिष्ट था, उसको गुरु महाराज जी ने कैसे अपने हृदय में आत्मसात किया, सारे जगत में उस वस्तु को प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज जी ने दिया जिसको प्रभुपाद जी देना चाहते थे, इन विषयों की भी बड़ी दीर्घ चर्चा हो। कभी हमारा समय ऐसा आए, सुयोग ऐसा आए, जैसे परम गुरु जी कहते थे ना कि जब प्रभुपाद जी कहते थे हरि कथा कहते थे तो परम गुरु जी लिखते हैं हमारी इच्छा होती थी समय रुक जाए, ये समय ना, कभी ये समय अग्रसर ही ना हो। जब हम उनके मुख से हरि कथा सुनते थे तो परम गुरु जी लिखते हैं कि हमारी इच्छा होती थी समय थम जाए, ये समय अग्रसर ना हो, हमारे मन में कब ऐसी लालसा आएगी। गुरु महाराज जी परम गुरु जी के लिए कह रहे हैं, अपनी वाणी से अपने मुख से कह रहे, जब हम उनको सुनते थे हमको कुछ और सुनने की इच्छा ही नहीं होती थी, हमारी इच्छा होती थी ये कहते रहे और बस हम सुनते रहे। तो हमारे परम गुरु जी जो कहते हैं कि सबसे पहले कान प्रस्तुत हो जाए, हमारा कब ऐसा दिन आएगा जब हमारी सुनने की इतनी लालसा होगी, इतनी इच्छा हमारी सुनने की हो जाएगी, हमको सब विषयों की विस्मृति हो जाएगी, ऐसी लालसा हमारे हृदय में आ जाए। इतनी अद्भुत प्रभुपाद जी की महिमा है, गुरु महाराज जी की कृपा से ही हम लोग कुछ कह सुन पा रहे हैं, इसलिए श्री गुरु चरणों में ही हमारी समस्त आशाएं हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गत कल हमने एक बात सुनी थी तो उस पर एक प्रश्न उठ गया, इसलिए उसका स्पष्टीकरण दे दूं बस कुछ सेकंड में, कि कल हमने एक बात सुनी कि हमारे गुरु महाराज जी परम गुरु जी के साथ बैलगाड़ी में कहीं जा रहे थे, बैलगाड़ी में गुरु जी परम गुरु जी के साथ कहीं जा रहे थे बिहार के दुमका जिले में, गुरु जी अपने मुख से बता रहे, और कुछ हिंदी भाषी लोग, कुछ महिलाएं खेतों में कार्य करते हुए गीत गा रही थी,
और परम गुरु जी ने गुरु जी से पूछा ये कौन सा गीत है, तो गुरु जी ने कहा हमको तो समझ में नहीं आता, तो परम गुरु जी ने उनसे हास परिहास करते हुए कहा ये गुरु जी की वाणी में बता रहा हूँ। जो परम गुरु जी ने उनसे कहा क्या तो क्या हिंदी जानता है, ये तो गुरु शिष्य का संबंध है। तो कुछ प्रश्न उठ गए इस पर कि भाई गुरु जी क्या भाषा को समझ नहीं पाए, गुरु जी तो नित्य महापुरुष है और परम गुरु जी भी नित्य महापुरुष है। हमारे गुरु भाई ने प्रीति पूर्वक ये प्रश्न पूछा हमारे जयश गुरु भ्राता, तो मेरे मन में आया कि इसका किंचित स्पष्टीकरण आवश्यक है। देखिए गुरु महाराज जी और परम गुरु जी का नित्य संबंध है। श्री सनातन गोस्वामी जी को, श्री रूप गोस्वामी जी को श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षा दी। वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी जी को तत्व की शिक्षा देने की आवश्यकता है, श्री रूप गोस्वामी जी को रस की शिक्षा देने की आवश्यकता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने दी। क्यों? ये नैमित्तिक लीला के अनुसार है, ये नर लीला के अनुसार है। इसलिए गुरु महाराज जी और परम गुरु जी का भी जो ये सब लीला है ये नर्वत लीला के अनुसार है। गुरु जी भी नित्य सिद्ध परिकर है, परम गुरु जी भी नित्य सिद्ध परिकर है। इसलिए आज समय बहुत हो चला है, गुरु जी के चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रार्थना है, सब भक्तों से भी हमारी प्रार्थना, सब भक्तों का भी धन्यवाद, विशेषकर हमारे पूज्यपाद महाराज जी से भी, उनको तो विशेष हमारा नमस्कार, पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे महाराज जी पधारे और उनसे प्रार्थना भी है, जब भी समय सुयोग हो हमारे महाराज जी पधारे। अभी महाराज जी कह रहे थे उनके पास बहुत सारी कथाएं हैं, महाराज जी ने इतना कुछ यही बैठे बैठे लिख दिया, उसमें से एक आध शब्द स्पर्श किया, कभी हमारा सुयोग हम और महाराज जी के मुख से सुने। आप सब लोगों ने भी बड़े धैर्य पूर्वक सुना, बड़ा समय दिया, आप सब लोगों को भी हमारा प्रणाम है। अभी प्रसाद की व्यवस्था हो चुकी है, आप लोग प्रसाद पाकर कृपया जाइएगा। तो सबको हमारे परम गुरु जी कहते थे इस धर्म अराजकता के समय में भी परम स्वीकृति मिलेगी, ये गौड़ीय वैष्णव के गुरु वर्गों के प्रसाद की महिमा है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्णा। एक अनाउंसमेंट है, जून 5 तारीख से बद्रीनाथ में गुरुदेव का सेंटेनियर उपलक्ष्य में भागवत कथा होगी और वहां पर 7 दिन तक कथा होगी, लेकिन प्रसाद सभी के लिए फ्री, प्रसाद का कोई पैसा नहीं लगेगा और बैठे कर कथा सुनने का कोई पैसा नहीं, लेकिन जो आने जाने का किराया आपको व्यवहार करना पड़ेगा और उसी समय बच्चों का छुट्टी रहेगी। इसलिए अगर जो जाना चाहे आप लोग संजय प्रभु का नाम दे सकते हैं, वहां पर भागवत कथा की व्यवस्था करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, सपरिकर प्रभुपाद की, गौर ब्रह्मानंदे बोल हरे कृष्णा 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 हरे
कृष्ण गोविंदा कृष्ण गोविंदा।